नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग सबको दो क्लासेस हमारी हुई आई होप सबको समझ में आ रहा है सबको मजा आ रहा है प्लीज कमेंट करके अपने सुझाव हमें दें कि कैसी लग रही है आपको क्लास कितना आपको समझ में आ रहा है और क्या नई चीजें आपको चाहिए वो सब हम इंक्लूड करेंगे आज हम हमारी जो टाइमलाइन वाली जो क्लास हमने स्टार्ट की है जो हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने एक पूरा इंट्रोडक्शन आपको ब्रीफ में देने की कोशिश की है उसकी लास्ट क्लास आज हम करेंगे और उसके बाद कल से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ओके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए टॉपिक को पूरा समझेंगे okay. आज हम बात करेंगे अब आधुनिक भारत की आधुनिक भारत के okay. वो टाइम पीरियड जो तीन भागों में हमने पिछले से पिछले क्लास में एंशंट इंडिया को डिस्कस किया उसके बाद मेडिवल पीरियड को डिस्कस किया और आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया को के मॉडर्न इंडिया कहने को ये मॉडर्न पीरियड था पर भारतीयों के लिए कोई मॉडर्न पीरियड नहीं था क्यों नहीं था मॉडर्न पीरियड भारतीयों के लिए क्योंकि उस समय तो ब्रिटिशर्स का राज्य भारत में था और उस समय भारत का हर तरफ से डिक्लाइन ही हुआ था ओके okay? कहीं कोई ऐसा विकास नहीं हुआ था के okay? पर हमने एक जो एक जो डिवीजन लिया गया हिस्ट्री के लिए हमने भी उसी को एक्सेप्ट किया है अब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के भारत में आगमन को आगमन से हम मॉडर्न पीरियड की बात शुरू करते हैं कल तक हमने पढ़ा कि वैसे अठारह तक मुगल पीरियड चलता है लेकिन ब्रिटिशर्स भारत में आए उसके बाद से हम इस पीरियड को क्या कहते हैं मॉडर्न पीरियड कहते हैं और हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड में देखिए, भारत की भारत की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने विदेशी देशियों को आकर्षित किया ओके यहाँ का कॉटन यहाँ के स्पाइसेस ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे या व्यापारी थे वो भारत आते रहे कैसे आए थे व्यापारी के रूप में ही हमारे में अगर फूट होगी हमारे में अगर कमी होगी तो भारत वाला उसका फायदा जरूर उठाएगा वही हुआ कि में कमी थी हम आपस में लड़ रहे थे तो भाद वालों ने फायदा उठाया इंडिया की पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी उस समय वो बहुत ही वीक थी कैसे क्योंकि मुगल साम्राज्य में जो रूलर्स थे लेटर मुगल्स वो सारे वीक थे उनके वीक होने की वजह से नए नए राज्यों का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्यों का जो मुगल साम्राज्य से अलग होके नए राज्यों का स्था, स्थापना हुई जैसे बंगाल बिहार अवध के नए नए पंजाब नए नए पावर्स इस समय इमर्ज हुए ओके वो जैसे जाट है सिख है मराठा है ये सब इमर्ज हुए और सिचुएशन ये थी कि कोई भी सेंटर में उनको हैंडल करने वाला नहीं था और हर किसी को बहुत ही पावरफुल बनना था हर किसी को बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए था अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना था तो क्या हुआ आपस में उनमें युद्ध होने लगे और जब वो आपस के अपने युद्धों में ही बिजी थे तो इसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और वो यहाँ के राजा बन गए हमारे शासक बन गए हमारी फूट ने उनको यहाँ के शासक बनने का मार्ग दिखाया अदरवाइज क्या थे वो तो व्यापारी के रूप में भारत आए थे तो 1600 सो ईस्वी में इससे पहले हम बात करते हैं सो ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर पास किया की ईस्ट इंडिया सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की का गठन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई कि वो भारत और यहाँ भारत में आके अपना व्यापार स्थापित करें सी उस समय कंपनियों को भी वहाँ की जो सरकारें होती थी वो कंपनियों को सपोर्ट करती थी व्यापारिक कंपनियों को क्योंकि उनके व्यापार के जो फायदे का एक हिस्सा वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी मिलता था सिर्फ एक ही कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन दी गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई बहुत सारे यूरोपियंस भारत आए सबसे पहले यूरोपियंस जो भारत आए थे भारत में व्यापार करने के लिए वो थे पुर्तगीज़ पुर्तगाल के लोग गे? फिर उसके बाद सोलह सौ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1602 में डच भारत आए और 1664 ईस्वी में फ्रेंच फ्रेंच भारत आए ओके और वो कौन सी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत आए ओके और पोर्तुगीज उससे पहले आ चुके थे पोर्तुगीज भी यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे मिशनरीज आए क्रिश्चन मिशनरीज उनके साथ आए जिन्होंने भारत में धन परिवर्तन करने की कोशिश भी की अब क्या हुआ भारत आए और सबका मुख्य मुद्दा क्या था सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भारत के व्यापार पे अपना एकाधिकार स्थापित करना क्योंकि जब तक भारत के व्यापार पे एकाधिकार स्थापित नहीं होगा वो जो प्रॉफिट उनको कमाना है वो प्रॉफिट वो नहीं कमा पाएंगे और भारत का जो प्रॉफिट था भारत का जो व्यापार था उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल था क्यों क्योंकि यहां से वो सस्ते में माल खरीद के यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हाई प्राइसेस पे वो चीजें बेचते थे तो सबका मोटो ये था यहां पर अपनी मोनोपोली अपना एकाधिकार यहाँ के व्यापार पर स्टेब्लिश करें गे? तो यहां पर आपस में किसकी लड़ाई हुई आपस में इस एकाधिकार की लड़ाई हुई इस एकाधिकार की लड़ाई में पोर्तुगीज और डच तो पहले ही बाहर हो गए पर दो लड़ाइया दो के बीच में हुई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन दो के बीच में लड़ाई हुई और ये लड़ाई थी कर्नाटक के युद्ध ओके okay? जिसको हम कर्नाटक का युद्ध कहते हैं कर्नाटक के तीन युद्ध हुए 1774 सेवेंटी फोर से कर्नाटक के युद्ध शुरू हुए हुआ क्या था एक्चुअली कर्नाटक में और हैदराबाद में यहां पर उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी सिर जंग और मोहम्मद जंग के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई थी ओके और चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हैदराबाद में लड़ाई थी इन दोनों उत्तराधिकार की लड़ाइयों में किसने सपोर्ट किया एक साइड को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया और एक साइड को फ्रेंच ने सपोर्ट किया ओके कहने को तो ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी पर एक्चुअली लड़ाई किसके बीच में थी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में क्योंकि दोनों यहां पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे और कर्नाटक की ये तीन युद्ध हुए ओके okay, तीन कर्नाटक वॉर्स हुई कर्नाटक के कितने युद्ध हुए तीन कर्नाटक के युद्ध हुए के ईस्ट इंडिया कंपनी को इन तीन युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया रॉबर्ट क्लाइव ने और ट्रांस फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया डुप्ले ने और पहले दो युद्धों में डुप्ले ने लीड किया पर वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा फिर फ्रांसिसी गवर्नमेंट ने काउंट डी लॉली करके एक दूसरे ऑफिसर को भेजा पर तीसरे कर्नाटक वॉर में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया और उन्होंने भारत के आ, जो है मेन मार्केट से उनको बाहर कर दिया बाद में जो कोस्टल एरियाज है पौंडीचेरी दमन दीव इन एरियाज में ये लोग रहे पर मुख्य मार्केट से उनको बाहर कर दिया और भारत के जो व्यापार पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया यहाँ तो वो स्थापित हुए किसके रूप में व्यापारियों के रूप में और यहाँ पर उप, उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की फैक्ट्री का यहाँ मतलब क्या है फैक्ट्री का मतलब कुछ मैन्युफैक्चर करना नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो कुछ मैन्युफैक्चर इंडिया में करना ही नहीं था फैक्ट्री का मतलब है यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उनको क्या कहा जाता था फैक्टर्स कहा जाता था और उनका जो सेटलमेंट था जो रहते थे उनके गोडाउन उनके घर जो थे उन सबको फैक्ट्री कहा जाता था तो शुरू शुरू में उन्होंने मसूलीपट्टनम में जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं सूरत में फिर मद्रास में अहमदाबाद आम, बरोच, ओके okay, इन जगह पर अपनी फैक्ट्रीज उन्होंने स्टैब्लिश की ओके okay. धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और उस समय मुगल साम्राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसको कहते हैं बंगाल, ओके okay, जिसका नाम था बंगाल। मुर्शीदुली कुली ने बंगाल नए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की उसके बाद अलीवदी खाया आया अली खां के बाद सिराजुद्दौला एक रूलर था एक नवाब था बंगाल का बंगाल के रूलर को नवाब कहते थे सिराजुद्दौला नवाब बना अब उस समय ब्रिटिशर्स अपना जो व्यापार था वो बंगाल में फैला रहे थे ओके और उन्होंने जो मुगल एम्पर था उस समय जो मुगल शासक था उससे भारत में बिना करके परमिशन ले ली थी व्यापार करने की पर ये परमिशन सिर्फ किसके लिए थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज अपना प्राइवेट व्यापार भी करते थे उनको ये परमिशन नहीं थी जब इंडिया के खुद के व्यापारी अपना कर दे रहे थे तो उनको भी तो टैक्स uh, देना था पर वो बिना टैक्स दिए व्यापार करना चाहते थे एक ये रीजन था जिसकी वजह से सिराजू दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ क्लैशेस uh, शुरू हो गए और दूसरा था कि सिराजुद्दौला ने उनको फोर्टिफिकेशन के लिए मना किया फोर्टिफिकेशन के लिए मतलब उन्होंने अपने जो सेटलमेंट बनाए फोर्ट के रूप में बनाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके किससे लोकल जो रूलर्स थे उनसे और उनके प्रतिद्वंदी जैसे फ्रेंच उनसे पर सिराजुद्दौला ने उसके लिए मना कर दिया एक उनका फोर्टिफिकेशन जो कासिम बाजार में हुआ उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था और ये जो दोनों चीजें थी उनके बीच में जो क्लैशेस थे वो बढ़ते गए और ये क्लैशेस फाइनली कहाँ पर गए

हार की वजह भी हम खुद मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का एक नवाब सिराज उद्दौला का एक आर्मी जनरल था उसको ब्रिटिशर्स ने रिश्वत दी और उसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गया इसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया मीर जाफर को नवाब बनाया पर ब्रिटिशर्स की जो इतनी डिमांड्स थी वो मीर जाफर पूरी नहीं कर पाया उसके बाद उसी के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया मीर कासिम के साथ भी स्थितियां वही थी वो भी नहीं हैंडल कर पाया ब्रिटिशर्स की डिमांड्स को फिर प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 में हुआ और 1757 के बाद 1764 में मीर कासिम अवध का जनाब का सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाहजा इन्होंने एक अलायंस बनाया एक गुट बनाया किसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ खिला. और कौन सा युद्ध लड़ा बक्सर का बक्सर का युद्ध लड़ा इस बक्सर के युद्ध में भी ब्रिटिशर्स ने इन तीनों के गुट को हरा दिया हराने के बाद अब क्या हो गया पावर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और ब्रिटिशर्स ने बंगाल में द्वेद शासन कौन सा शासन शासन ड्यूल्स सिस्टम कर दिया शासन का मतलब होता है कि नाम के लिए तो वहां का जो नवाब था वो रूल कर रहा था पर उसके पास कोई पावर नहीं थी क्योंकि आर्मी किसी भी किसी भी साम्राज्य के तीन पिलर है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन वहां की आर्मी और रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्य। रेवेन्य। और आर्मी दोनों ब्रिटिशर्स के पास थी नाम के लिए खाली रूलर रूल कर रहा था और उसके बाद तो थोड़े टाइम बाद वॉर हेस्टिक्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया कहाँ का बंगाल का और बंगाल का शासन किसके हाथ में आ गया ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया यहाँ से आरंभ होता है ब्रिटिशर्स की जर्नी का जिसको जो बाद में कहा क्या बन गए इंडिया के रूलर्स बन गए सत्रह सो का युद्ध और सत्रह में बक्सर सत्रह में सॉरी बक्सर का युद्ध के यहां से फिर शुरू होता है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम बात में करेंगे थोड़े टाइम बाद में करेंगे पिट्स उसके पहले आपको कुछ चीजें और मैं समझाना चाहती हूँ आप बात करते हैं ब्रिटिशर्स की जर्नी तो स्टार्ट हो गई ओके किसकी शासक बनने की भारत के शासक बनने की और हमने उन्हें रास्ता भी दिखा दिया था कि कैसे शासक बनना है अब जो हैदराबाद जो था हैदराबाद ऑलरेडी क्योंकि कर्नाटक युद्ध के बाद कर्नाटक और हैदराबाद ये दो जो राज्य थे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडायरेक्टली आ गए थे क्योंकि वहां का जो रूलर था वो किसकी हेल्प से रूलर बना था ब्रिटिशर्स की हेल्प से कौन से वॉर में कर्नाटक वॉर्स के बाद वो रूलर बना था तो ये हाथ है अब दो मुख्य पावर थे दक्षिण भारत में जिनको हराना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत जरूरी था अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ओके उसमें पहला पावर था मैसूर राज्य मैसूर राज्य इस समय मैसूर राज्य पर हैदर अली रूल कर रहा था हैदर अली और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान जिसे हम क्या कहते हैं लाइन टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं क्योंकि उससे पहले हैदर अली की हम बात करें हैदर अली से पहले मैसूर में वोडियार फैमिली का रूल था और चिक्का कृष्णदेव राय वहां पर रूल कर रहे थे उस समय हैदर अली उसकी आर्मी में था बाद में हैदर अली ने मैसूर पे अपना कब्जा कर लिया और मैसूर पे हैदर अली युद्ध करने लगा अब हैदर अली जो मैसूर में जो क्योंकि स्पाइस ट्रेडिंग बहुत ही यू कैन से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग था उस समय और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको स्पाइस ट्रेडिंग की परमिशन दी जाए मैसूर में जो हैदर अली ने मना कर दिया और हैदर अली या मैसूर का फ्रांसीसियों के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन था जिसको ब्रिटिशर्स बर्दाश्त नहीं कर पाए ये सिचुएशन की वजह से कहा क्या हुआ चार मैसूर वॉर हुए पहला टीपू सुल्तान हैदर, हैदर अली ने लड़ा ओके okay? वो उसमें ज्यादा कुछ खास निर्णय नहीं हुआ दूसरे युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई ओके दूसरे युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई तीसरे युद्ध में ओके okay? तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत ब्रेवली लड़ा पर फिर भी वो हार गया और एक ट्रीटी साइन हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एक समझौता हुआ श्री रंगपटनम का उसमें चार पोर्ट ओके okay? और बहुत सारा पैसा टीपू सुल्तान को किसको देना पड़ा ब्रिटिशर्स uh, को देना पड़ा और सिरपू सुल्तान के दो बेटों को क्या बना दिया गया बंधक भी बनाया के रूप में रखा ब्रिटिशर्स ने ओके okay? तीसरा युद्ध हुआ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत ब्रेवली लड़ा पर टीपू सुल्तान ये युद्ध हार गया युद्ध क्यों हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की ओके okay? सहायक संधि जिसको कहते हैं वो बाद में मैं बताऊंगी क्या थी सहायक संधि उसको टीपू सुल्तान एक्सेप्ट कर ले पर टीपू सुल्तान ने उसको मना कर दिया और इसलिए चौथा युद्ध जिस चौथे युद ब्रिटिशर्स ने वापस मैसूर पर रूल करने की परमिशन दे दी डायरेक्टली तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था वो के दूसरा पावर ये हो गया मैसूर के चार युद्ध थे ओके जिनको कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध एंग्लो मैं मैसूर वॉर ओके अब उसके बाद तीसरा जो पावत दूसरा जो पावत था जिसको हराना बहुत जरूरी था इस एरिया पे कंट्रोल करने के लिए वो थे मराठास मराठास एक्चुअली मराठास की प्रॉब्लम क्या थी अहमद शाह अब्दाली का जो तीसरा पानीपत का युद्ध था हमने बात की थी उस तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद मराठास का जो पावर था ऑलमोस्ट खत्म हो गया था और दूसरी मराठास की सबसे बड़ी वीकनेस थी उनके जो मराठा सरदार थे क्योंकि संभाजी शिवाजी के पोते के बाद पेशवा मराठा एम्पायर का हेड बन गया था और बाकी मराठा सदास होलकर सिंधियाज भोसले ये सब थे इनमें आपस में क्या हो गई थी एकता नहीं थी डिस यूनिटी थी उनके बीच में और ये डिस यूनिटी ही रीजन बनी उनकी हार का तो तीन मराठा युद्ध हुए ओके पहला युद्ध टीटी सालबाई की टीटी के साथ खत्म हुआ दूसरे और तीसरे युद्ध में मराठा हार गए ओके और पेशवा जो था पेशवा को बिठूर भेज दिया गया और पेशवा को एक अशोर कर दिया गया कि पेशवा को क्या दी जाएगी पेंशन दी जाएगी और कानपुर के पास एक जग जगह है बिठूर पेशवा को बिठूर भेज दिया गया और तीस ती, जो तीसरो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर था एंग्लो मराठा युद्ध था जो 1817 से 1819 के बीच में चला इस युद्ध के बाद मराठा का जो एम्पायर था मराठा का जहां जहां शासन था वो भी किसके अंडर में आ गया ब्रिटिशर्स के मराठास के हारने की भी एक मुख्य वजह उनके आपस में एकता ना होना ही था ओके यही एक मेन रीजन थी जिसकी वजह से मराठास हार गए के तो अब कितना कितना बड़ा एरिया उनके हाथ में आ गया है ऑलरेडी बंगाल उनके हाथ में ऑलरेडी है अहमदाबाद सॉरी हैदराबाद कर्नाटक ऑलरेडी उनके हाथ में है फिर मैसूर और मराठास दक्कन का पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया के इतना बड़ा एरिया उन्होंने ऑलरेडी जीत लिया था अब उसके बाद हम वापस जाते हैं <coughs> मैंने बोला था पिट्स इंडिया एक्ट की बात अब हम करेंगे अब क्या हुआ बहुत बड़ा इतनी सारी युद्ध लड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बहुत बड़ा एरिया उनके हाथ में आ गया जिसके वो क्या बन गए रूलर बन गए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहां पर रूल कर रही है भारत में पर वो किसके थ्रू कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ओके okay? इस एक्ट में ये पास हुआ कि अब जो डिसीजन मेकिंग कौन था डिसीजन मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कौन करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी क्राउन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी यहां रूल करेगी ओके okay? और इसी में कुछ जो खामियां रह गई थी उन खामियों को दूर करके पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया 1784 में अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर डायरेक्टली रूल कर रही थी पर किसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर रूल करने लगी ये था पिट्स इंडिया एक्ट आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है शुरुआत कैसे हुई भारत में गुड इवनिंग टू एवरी ओके okay, किसी को कोई समस्या किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना ओके okay, अभी तक तो नहीं ठीक है अब अभी तक यहां तक आते आते ब्रिटिशर्स बहुत बड़े एरिया के शासक तो बन चुके थे अब सबसे बड़ी फायदा उनको हुआ रेवेन्यू कलेक्शन यहां से आने लगा उनको बाहर से अपने कंट्री से कुछ नहीं लाना है यहाँ का पैसा रेवेन्यू के रूप में इकट्ठा करो यहाँ का माल खरीदो और बाहर अपनी कंट्रीज में भेज दो तो यहाँ का जो वेल्थ था यहाँ का जो पैसा था वो ड्रेन आउट होने लगा कहाँ इंग्लैंड ओके और इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस स्टेज में आ चुका था और यूरोपियन कंट्रीज और इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज अपने एडवांस स्टेज में थी तो उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल की भी जरूरत थी तो अब भारत क्या बन गया था सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड क्योंकि यहां से कच्चा माल खरीदा जाता था कम पैसों में और उसको इंडस्ट्रीज को भेजा जाता था और वहां से ओके okay, तैयार माल लाया जाता था और यहाँ के मार्केट्स में क्या कर दिया जाता था डम किया जाता था और इतियो को बेचा जाता था तो क्या बन गया भारत सप्लायर ऑफ रो मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड एंड मार्केट फॉर द रेडीमेड गुड्स ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स टू इंडिया ये बन गया था भारत उस समय तक अब बात करते हैं कुछ सारी चीजें कुछ भारतीयों का कभी भी विकास का ख्याल ब्रिटिशर्स को नहीं आया वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो क्योंकि उनका नुकसान है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ का जो माल है वो यही यूज होगा और यहाँ की चीजें यहाँ भी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से जो बनी हुई चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी तो उनका तो सारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या भारत में किसी भी तरह का नवीनीकरण या मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते थे के हालांकि ब्रिटिशर्स ने जहां भी अपनी कॉलोनीस को एक्सटेंड किया वहां पर उन्होंने अपने आप को इसी तरह से दिखाया कि वी आर ऑन ए ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द सिविलाइजेशन टू द दीज दो इंडिया भी एक बैकवर्ड कंट्री थी उनके लिए ओके okay? उन्होंने हमेशा प्रिटेंड किया इंडिया वॉज अ बैकवर्ड कंट्री क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उस समय वो एक डार्क पीरियड था इंडिया का जब लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे सिर्फ आपस में लड़ाइयां हो रही थी कोई तरह का डेवलपमेंट कोई तरह का मॉडर्नाइजेशन इंडिया में नहीं हो रहा था तो उन्होंने इंडिया को कहा कि ये भी एक पिछड़ी कंट्री है और हम तो इतने एडवांस हैं हम क्या कर रहे हैं हम एक सिविलाइजिंग मिशन पे हैं इन कंट्रीज में वो एडवांसमेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको क्या ला रहे हैं आगे ला रहे हैं ऐसा उन्होंने हमेशा दिखाया पर ऐसा कहीं नहीं था उनको भारत के सिर्फ रिसोर्सेज को यूज करना था अपने फायदे के लिए फिर अठारह में उन्होंने अब रेलवे को उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया ओके okay, बहुत जल्दी रेलवे के आविष्कार के बाद बहुत जल्दी भारत में उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया उसका रीजन क्या था क्योंकि उनको एक क्विक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए था जिससे वो रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उन्हें क्या जरूरत थी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत थी क्विक ट्रांसपोर्टेशन की इसलिए अट्ठारह में ओके रेलवे लाइन भारत में इंट्रोड्यूस की गई और पहली बार जो रेलवे लाइन चली ओके okay, वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली जो 34 किलोमीटर करीब था बॉम्बे से थाने के बीच में पहली बार रेलवे लाइन भारत में स्टार्ट की गई इसी तरह अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन दोनों ही फास्ट चाहिए अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे और अपने सॉरी बिजनेस पे होल्ड रखना था तो फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया कलकत्ता से आगरा पहली बार ये टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की गई ताकि उनका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो सके इंप्रूव हो सके और भारत पे उनकी जो पकड़ है वो मजबूत बनी रहे okay? ये क्लियर है अब धीरे धीरे ओके okay? अब इसके बीच में एक चीज और मैं बताऊंगी कुछ तो डायरेक्ट वॉर्स हुए अब इसके बाद मराठा से हुए उन सारी वॉर्स की बात अभी हम नहीं कर सकते पंजाब के साथ वॉर हुई राणा रणजीत सिंह के बाद पंजाब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और इसी तरह से उन्होंने रोहिलखंड को पर कंट्रोल कर लिया धीरे धीरे करके इंडिया के एक लार्ज पार्ट पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया दो पॉलिसीज उनकी थी पहली डायरेक्ट युद्ध डायरेक्ट वॉर के थ्रू और दूसरी पॉलिसीज के थ्रू ओके दो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की मेन दो पॉलिसीज थी पहली थी सब्सिडरी अलायंस सब्सिडरी अलायंस इसको सहायक संधि कहते हैं और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स अलायंस किसने इंट्रोड्यूस की लॉर्ड ने, लॉर्ड ने और डॉक्ट्रिन ऑफ ले लॉर्ड डलहौजी ने अब ये दोनों पॉलिसीज क्या थी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी ओके सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि ब... सारे राजा आपस में लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स ने राजाओं को ऑफर दिया कि हम आपको दूसरे राजा के खिलाफ जब युद्ध होगा उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी हमारी कुछ शर्तें आप वो शर्तें मान लो वो शर्तें क्या थी पहली कि हमारा एक जो अधिकारी है वो हमेशा आपके कोर्ट में रहेगा मतलब आपके कोर्ट में जितनी भी बातें हो रही है आपके आप जो भी बातें कर रहे हैं जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं सब हम तक पहुंच जाएगी ठीक है दूसरी आपको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी खर्चा कौन देगा उस आदमी का वो शासक देगा वो रू रूलर देगा जो सब्सिडरी अलायंस को सहायक संधि को मानेगा और आर्मी किसकी मेंटेन होगी ब्रिटिशर्स की जब चाहे ब्रिटिशर्स उस आदमी को किसके खिलाफ उस राजा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे और राजा किसी भी ओके यूरोपियन से यूरोपियन देश से या किसी भी और राज्य से अगर मैत्री संबंध रखता है तो ब्रिटिश वो ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि क्योंकि अगर किसी से मैत्री संबंध होगा तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज हो जाएगा वो वो नहीं चाहते थे अगर ये शर्तें रूलर नहीं पूरी कर सका ओके अगर शर्तें नहीं मान सका तो वो राज्य किसके अंडर में आ जाएगा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगा क्या करना था कि आपको हम हेल्प करेंगे आपकी लड़ाई किसी दूसरे राजा से होती है तो हम हेल्प करेंगे पर आपको हमारी शर्तें एक तो हमारी आदमी बना आदमी मेंटेन करो खर्चा तुम दो हमारी आदमी होगी वो हमारा एक ऑफिसर हमेशा आपके यहाँ रहेगा आपकी सभा में आपके कोर्ट में रहेगा ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी है डायरेक्टली हम तक पहुंचती रहेगी और तीसरा अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो फिर आपका जो राज्य वो हमारे पास आ जाएगा और हमारी परमिशन के बिना आप किसी राजा दूसरे राजा से मैत्री संबंध या यूरोपियन से फ्रेंडली रिलेशन आप नहीं रख सकते हो कि अगर ऐसा किया तो वो राज्य हमारे पास आ जाएगा बहुत सारे शासकों ने

जो सिस्टम था कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता है अपना कोई बेटा नहीं होता जो दत्तक पुत्र होता है अडोप्टेड सन होता है वो रूलर बन जाता है ओके या राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो राजा एक किसी के बेटे किसी को भी पुत्र को गोद ले लेता ले है और वो पुत्र क्या बन जाता है फिर उत्तराधिकारी बन जाता है पर ब्रिटिशर्स ने कहा अगर किसी के किसी राजा की मृत्यु हो जाती है उसका अपना बेटा नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या राजा का अपना बेटा नहीं है तो जो अडॉप्टेड सन है वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और वो स्टेट किसके अंडर में चला जाएगा ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा के okay? ऐसे करके रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी और उनका जो अडॉप्टेड सन था उनका जो दत्तक पुत्र था दामोदर राव उसको ब्रिटिशर्स ने क्या नहीं माना था उसका उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी पे कब्जा कर लिया इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अठारह सौ की क्रांति में अपनी झांसी को वापस लेने के लिए क्या किया युद्ध लड़ा था के? Okay. इसी तरह से संबलपुर सतारा उदयपुर झांसी ये सारे जो स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए अंडर अंडर द <coughs> ट्रीटी ऑफ डॉक्ट्रीन सॉरी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स तो दो तरीके ब्रिटिशर्स ने यूज किए डायरेक्ट वॉस एंड पॉलिसीज जिसमें दो मेन थी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स ये क्लियर है अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो असंतोष था डिसटिस्फेक्शन था वो धीरे धीरे पढ़ने लगा बढ़ने लगा सब में सारे ग्रुप्स में सती प्रथा का अंत उन्होंने किया विधवा विवाह का पुनः विवाह का उन्होंने जो एक्ट था वो पास किया तो यहाँ के ऑर्थोडॉक्स जो कम्युनिटी थी भारत की उनको लगने लगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं हमारी कल्चर में हमारे धार्मिक धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं इधर क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत में आ गए वो भी धर्म परिवर्तन कर रहे थे जिसकी वजह से भी उनमें असंतोष था पहले ये रीजन दूसरा जो <coughs> <coughs> सॉरी जो सेना थी ओके, जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उसका मेन मुख्य जो पार्ट था वो कौन कौन फॉर्म कर रहा था इंडियन सिपाही, जिनको सिपाहीज कहते थे इंडियन सिपाही थे उनमें भी डिससेटिस्फेक्शन आ गया था कैसा डिससेटिस्फेक्शन आ गया था क्योंकि उनको कभी भी कोई हायर पोस्ट उनको नहीं दी जाती थी सिर्फ लोअर रैंक की पोस्ट उनको दी जाती थी उनकी सैलरी में ब्रिटिश सोल्जर्स की सैलरी में भी अंतर था वो नहीं चाहते थे कि उनको किसी और कंट्री में सात समुद्र पार भेजा जाए लेकिन उनको भेजा जाता था और उसके लिए जो अलाउंस मिलता था वो भी बंद कर दिया गया और मेन जो मुख्य कारण था अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का वो भी जानते हैं वो आर्मी की वजह से ही था कि आर्मी को एक राइफल दी गई जिसका नाम था एलफील्ड और उसमें जो कातूस यूज होती थी कार्टेजेस यूज होती थी ऐसा रूमर था कि उस कार्टेजेस पे सुअर और गाय की चल भी थी और जो सिपाही थे उनको मुंह से काटना पड़ता था उन उस कातूस को काटना पड़ता था जिसकी वजह से जो सिपाहियों में असंतोष फैल गया कि क्योंकि ना ही मुस्लिम्स और ना ही हिंदू दोनों ही उनको उनकी धार्मिक भावनाओं के वो खिलाफ था ये उसका इमीडिएट कॉज था अठारह की क्रांति का पर सब में आप देखा जाए व्यापारी वर्ग खुश नहीं था किसान खुश नहीं थे क्योंकि इतने सारे टैक्सेस वो भी इतने हाई और लैंड का अधिकार उन्होंने खो दिया वो भी खुश नहीं थे तो हर वर्ग में असंतोष था किसके खिलाफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ और जो ये कातूस वाला जो कारण था वो मुख्य कारण बन गया और 10 मई को मेरठ से अठारह की क्रांति प्रारंभ हो गई इसी रीजन को ले उससे पहले मार्च में ओके okay, बैरकपुर छावनिम ने मंगल पांडे के मंगल पांडे ने इस कारतूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था ओके okay? और बाद में मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी ऑलरेडी वो विद्रोह तो वहीं से शुरू हो गया था पर प्रॉपरली कहां से स्टार्ट हुआ मई को मेरठ से ओके okay? मेरठ में विद्रोह हुआ मेरठ में क्रांतिकारियों ने मेनली विद्रोह तो किसका था इसको म्यूटिनी भी कहते हैं भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको इस म्यूटिनी भी कहते हैं म्यूटिनी का मतलब होता है जब आर्मी रिवोल्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं म्यूटिनी उसको म्यूटिनी भी कहा जाता है कि तो ये मेरठ से ये क्रांतिकारी चल के कहाँ आए दिल्ली आए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अप्रोच किया बहादुर शाह जफर थोड़े डरे हुए थे उम्र भी थी पावर भी नहीं था कुछ भी नहीं था ऐसे में क्रांतिकारियों का लीडर बनना उनके लिए मुश्किल था पर फिर भी वो क्रांतिकारियों के लीडर बने और बाकी राज्यों के जो राजा थे उनको उन्होंने क्या लिखा लेटर लिखा और इस क्रांति का पार्ट बनने का करने के लिए कहा कि दिल्ली पे फिर क्रांतिकारी ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया पर जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली वापस अपने हाथ में ले ली बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया अरेस्ट करके उनको रंगून भेज दिया गया देश निकाला दे दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई और अठारह ही एंड है किसका मुगल साम्राज्य का मुगल साम्राज्य यहीं पर खत्म हो गया धीरे धीरे जब ये न्यूज फैली तो अवध में झांसी में कानपुर में इस तरह से ये बरेली में आरा में इस तरह से विद्रोह फैलने लगा पर यह विद्रोह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में ही रहा ओके दक्षिणी भाग में या नॉर्थ ईस्ट में इधर ये ये नहीं फैला ये एक रीजन है इसका क्योंकि एक साथ नहीं हुआ के सारे राज्यों ने इसका साथ नहीं दिया कुछ तो राजा ऐसे थे जिन्होंने भारतीयों ब्रिटिशर्स का साथ दिया भारतीयों के खिलाफ और जो नया वर्ग था जो शिक्षित वर्ग था जो जिसने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई करनी शुरू की थी वो तो ब्रिटिशर्स को अपना आदर्श मानने लगा था कि ये है इसीलिए मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो इनका रहना जरूर जरूरी है तो उन्होंने तो बिल्कुल भी साथ नहीं दिया ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से अग, जो क्रांति थी वो फेल हुई ओके फेल हुई फेल तो हुई पर जो एक लॉ उन्होंने जगाई जगाई किसके खिलाफ इससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए पर पहली बार भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ पहली बार लोगों ने रियलाइज किया कि भारत ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर किया जा सकता है पहली बार उन्होंने रियलाइज किया और ये जो लॉ जगी उस समय ओके वो लॉ बाद में हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बाद में काम आई ओके तो 1857 की क्रांति पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम था जो फेल हुआ फेलिए तो था पर जो बड़ा काम इस क्रांति ने किया वो लॉ जगाने का राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जगाने की वो एकीकरण की भावना जगाने का जो काम किया उसी ने भारत को बाद में क्या कराया आजाद कराया ब्रिटिशर्स से बहुत लंबा टाइम लगा पर इसके बाद क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि उसका एक दूसरा इम्पैक्ट यह आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर क्या करना चाहिए खत्म कर देना चाहिए और डायरेक्टली पावर क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह हो चुका है कि ऑब्वियसली एक बार भारतीयों ने विद्रोह किया तो दूसरी बार तो करेंगे ही करेंगे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं संभाल पाएगी अब हमको डायरेक्टली क्या करना चाहिए पावर अपने हाथ में लेना चाहिए और डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच में से हटा के डायरेक्टली भारत का जो साम्राज्य था भारत का जो शासन था वो किसके अंडर में आ गया ब्रिटिश क्राउन ओके भारत ब्रिटिशर्स ब्रिटिश, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया और डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जो गवर्नर जनरल था उसके थ्रू गवर्नर जनरल के बाद अब पोजिशन चेंज हो गई गवर्नर जनरल पहले हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन था गवर्नर जनरल पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना वॉरन हैंस्टिंग्स वॉरन हैस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब गवर्नर जनरल की पोस्ट क्या कर दी गई हटा दी गई और उसके बाद नई जो पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई वो पोस्ट थी वाइस रॉय वो क्या बनी वाइस रॉय अब अब हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन बन गया वाइस रॉय और इसके साथ एक सेक्रेटरी को भी अपॉइंट किया गया जो ब्रिटिश क्राउन और वाइस के बीच में कड़ी का काम करता था मतलब यहां से इंफॉर्मेशन यहां देना और यहां से इंफॉर्मेशन यहां देना और यहां से दोनों के बीच में मीडिएटर का, का काम कौन करता था एक सेक्रेटरी करता था वो भी अपॉइंट किया गया और बहुत सारे चेंजेस किए गए आर्मी में चेंजेस किए गए ओके आर्मी में उन सैनिकों की संख्या कम की गई उस एरिया से जहां पर जिन्होंने इस रिवोल्ट में भाग लिया जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया उनकी संख्या को बढ़ाया गया मेन मेन जो जानकारियां थी या मेन पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स तक रखी गई इस तरह से बहुत सारे चेंजेस किए गए और सबसे बड़ा चेंज ये किया गया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अश्योर कर दिया कि जितने राज्य अब ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के अंडर में हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहेंगे अब किसी नए भारतीय राज्य को ब्रिटिशर्स अपने अंडर में नहीं मिलाएंगे मतलब अब दो तरह के स्टेट्स हो गए ब्रिटिश स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स कौन से स्टेट है प्रिंसली स्टेट जिसमें भारतीय राजा राज्य कर रहे थे और ब्रिटिश स्टेट जो भारत में ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली अंडर में थे कहने को भारतीय राजा राज्य कर रहे थे पर इनडायरेक्टली वहां पर भी ब्रिटिशर्स का ही डोमिनेशन था के? आगे हम चलते हैं और क्या क्या चीजें चेंज चीज़ हुई फिर 1861 सो पे बहुत सारे चेंजेस भारत में आए पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट क्या थी इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या डिसीजन लिया गया कि अब जो गवर्नर जनरल था तो वाइसरॉय था उसकी जो उसकी जो काउंसिल थी उसमें सिक्स को ऐड किया गया ओके और उनको तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए और ये उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे जो कैबिनेट बनाई गई एक तरह से यू है सक, आप कह सकते हैं कि कैबिनेट बनाई गई ओके काउंसिल एक्ट में ओके जो वाइसरॉय के साथ जो काउंसिल वर्क कर रही थी उस काउंसिल में काउंसिल बनाई गई और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मतलब मिनिस्टर्स को दिए गए इस काउंसिल एक्ट में यह डिसीजन लिया गया के फिर सर्वे ऑफ इंडिया के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसकी स्थापना की गई और उसने बहुत सारी खोजें भारत में की उस समय और हड़प्पा सभ्यता का खोज भी इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया बाद में और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर किसको कहा जाता है किसने इंडियन सर्विस सिविल सर्विस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कोई बता सकता है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर किसको कहा जाता है के इंडियन सिविल सर्विसेज का मतलब है आज जो हम जिनको आईएएस एग्जाम कहते हैं उस समय वो एग्जाम क्या होता था आईसीएस एग्जाम होता था वो एग्जाम होता था आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज जिसमें जो ऑफिसर क्लास थी उसको इलेक्ट सेलेक्ट किया इलेक्ट किया सेलेक्ट किया जाता था एंड वो एग्जाम शुरू में होता था लंदन में ओके okay? लंदन में एग्जाम कंडक्ट किया जाता था शुरू में तो भारतीयों को अलाउ ही नहीं था कि वो इस एग्जाम में अपियर हो सके पर बाद में भारतीयों को इसमें अलाउ किया गया फिर भी एज का इशू आया बहुत सारे इशू आए ओके okay? और इस इंडियन सिविल सर्विसेज को क्यों गवर्नर जनरल तो है इसके अलावा जो ऑफिसर्स जो गवर्नर वाइस रॉय को हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में वो ऑफिसर्स का सिलेक्शन इस एग्जाम के थ्रू किया जाता था तो कौन था इंडियन सिविल सर्विसेज का किसने इंट्रोड्यूस की इंडियन सिविल सर्विसेज भारत में इंट्रोड्यूस की लॉर्ड कॉन ने किसने इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉन ने इंडियन सिविल सर्विसेज को कॉन ने इसीलिए इंडियन सिविल सर्विसेज का जो फादर किसको कहा जाता है ओके okay. किसको कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है और अब जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो आया इसमें यह डिसाइड किया गया कि ऑफिसर्स का सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा उनके काम क्या होंगे ओके okay. वो सारी चीजें किसमें डिसाइड की गई इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में डिसाइड की गई ओके okay. किसी ने बताया फादर कौन है लॉर्ड मेकॉले नहीं है जी सॉरी लॉर्ड मेकॉले नहीं है पूजा जी यस लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज ओके सर्विस कॉन्वॉलिस इंडियन सिविल सर्विसेज के सबको आना चाहिए ये तो के okay? यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया सबको क्लियर है फिर ये बताने के लिए सिर्फ हम इस बारे में एक छोटी सी बात करेंगे आर्य समाज की आर्य समाज किसने स्थापित किया भारत में दयानंद सरस्वती ने अठारह ये चीज मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको देने के लिए किया है ये टॉपिक रखा है वैसे तो बहुत सारे समाज बहुत सारे सोसाइटीज की स्थापना यहाँ पर हुई थी सी भारत में इस समय भारत में जो बुराइयां थी सामाजिक सोशल लेवल सामाजिक जो बुराइयां थी जैसे सती प्रथा थी जो राजा राम मोहन ने उसका अपोज किया और विलियम बेंटिंग ने एक लॉ बना के सती सिस्टम को क्या कर दिया खत्म किया विडो रेमैरिज एक्ट बनाया गया इस तरह से जाति से संबंधित स्त्रियों से संबंधित जितनी भी बुराइयां थी भारत में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए समाज सुधारक हुए और इस समय उन्होंने एक सुधार आंदोलन चलाया भारत में ताकि जो सामाजिक बुराइयां हैं जाति से संबंधित जो बुराइयां हैं समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए ओके okay? और उसमें बहुत सारे समाज सुधारक ने कार्य किया वो समाज सुधारक कौन कौन थे राजा राम मोहन जो मैं बात कर चुकी स्वामी दयानंद ओके okay? स्वामी विवेकानंद ज्योतिराव फुले नारायण गुरु कंदकुरी विरेसर लिंगम के okay? मिस्टर राणा डे ये सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग समाजों की स्थापना की ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की गोविंद नारायण ने प्रार्थना समाज की स्थापना की ओके okay. राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की इस तरह से एक भारत में एक समाज सुधार आंदोलन इस समय चला जिसने भारत में की जो बुराइयों को दूर करके भारत को भारत समाज के समाज का सुधार करने का कार्य किया के okay. बाद में जब हम टॉपिक लेंगे तो इस बारे में पढ़ेंगे बस ये चीज इसी इतना ही मैं बताती हूँ अभी तो कि आर्य समाज की स्थापना अठारह में किसने की दयानंद सरस्वती ने बस कि समाज सुधार आंदोलन भी भारत में इस समय साथ साथ चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने सामाजिक बुराइयों को जाति से संबंधित बुराइयों को धर्म से संबंधित बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया लोगों में एक अवेयरनेस एक जागरूकता लाने की कोशिश की क्योंकि समय के साथ जो हमारी समाज में हमारे धर्म में जो बुराइयां आ गई है उनको दूर करना बहुत जरूरी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अदरवाइज नहीं ओके यहां तक सबको क्लियर है किसी को और कुछ पूछना है इसमें विलियम अठारह ना पिचासी बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था अठारह का क्यों इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस क्योंकि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर सके तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कौन आया इंडियन नेशनल कांग्रेस आया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा जो मकसद था भारतीयों की स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्र किया जाए ये दूसरा मकसद था इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का और एक ये है कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इंडिया के बिहाफ पे ब्रिटिशर्स India को इंडिया uh, को मतलब इंडिया का प्रतिनिधित्व कर, कर सके ओके okay? रिप्रेजेंट कर सके इंडियंस को ब्रिटिशर्स के सामने ओके okay? ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई वो कहां पर हुई 1885 में बंबई में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई और स्थापना किसने की ओके okay, स्थापना करने वाले थे एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे रिटायर्ड ब्रिटिशर्स ऑफिसर एओ ह्यूम एलएन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम जिन्होंने इसकी स्थापना की इसके साथ दूसरे जो मेन लीडर थे वो थे दादा भाई नौर दादा भाई नोरजी थे और में, पहली बार जो का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ इसमें करीबन 78 मेंबर्स थे उस समय ओके और पहला अधिवेशन कहा हुआ बॉम्बे में हुआ और इसके जो लीडर थे इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डब्ल्यू सी बेनर्जी डब्ल्यू सी ये इसके प्रेसिडेंट थे पहला जो सेशन हुआ ओके उसके बाद हजारों लोग भारत के अलग अलग कॉर्नर कौन, से इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ते गए गे? तो ये हम जानेंगे अठारह में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई ओके ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिशर्स के सामने कर सके उनके डिमांड्स को रख सके और एक दूसरा मकसद था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना पहला जो सेशन हुआ वो कहाँ हुआ बॉम्बे में ओके उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे ओके और दादा भाई नौरोजी ये दो उसके संस्थापक थे गे? यहाँ पर उसके बाद कांग्रेस के सेशन और कांग्रेस वर्क करता गया जो हम जानते ही हैं इस समय कांग्रेस में दो तरह के लीडर कांग्रेस में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और दो तरह के लीडर्स कांग्रेस में बने हुए एक को कहते हैं हम मॉडरेट्स और दूसरे को कहते हैं हम एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स मतलब गर, नरम दल ओके okay? जो एल्डर मेंबर्स थे कांग्रेस के वो मॉडरेट्स थे और जो यंगर मेंबर्स थे वो कौन थे एक्सट्रीमिस्ट अब एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल था देखो मॉडरेट्स का क्या रोल था मॉडरेट्स चाहते थे कि पहले धीरे धीरे वो स्टेप्स में भारत की स्वतंत्रता चाहते थे कि पहले हम गवर्नमेंट का पार्ट बने ओके okay? गवर्नमेंट का पार्ट बनने के बाद हमको अपनी गवर्नमेंट मिली फिर भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं ओके okay? और जो एक्सट्रीमिस्ट यंग लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि हम डायरेक्टली ओके okay, हमको कुछ नहीं चाहिए हमको भारत का स्वतंत्रता चाहिए okay? उनके काम करने के दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे okay? इसलिए ये दो तरह के दल कांग्रेस में थे नरम दल और गरम दल ओके okay? और अठारह तक ओके okay, जो मॉडरेट्स थे उनका जो टाइम पीरियड कहा जाता है मेनली जब वो इन्फ्लुएंशियल थे वो थे अठारह से उन्नीस तक ओके okay? इनकी जो पॉलिसी सॉरी तक पर उनकी जो वर्किंग थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई इसके बाद 1905 के बाद में इन्फ्लुएंस कौन करने लगा ओके okay. वो इन्फ्लुएंस कर कौन करने लगा एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ये कौन सा है नरम दल और ये इनको क्या कहा जाता है गरम दल क्योंकि 1905 तक इस फेज को इस फेज को हम कहते हैं मॉडरेट्स uh, का फेस और 1905 से 1915 तक का जब टाइम है जब गांधी जी भारत में आए 1915 तक ये किसका टाइम पीरियड है गरम दल का और उसके बाद 1915 के बाद का जो हम टाइम पीरियड कहते हैं उस समय कांग्रेस पे किसका इन्फ्लुएंस था उस पर गांधी जी का इन्फ्लुएंस था ओके गांधी जी मेन लीडर बन गए थे कांग्रेस को उसको गांधीयन फेज कहते हैं इस तरह नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग को हम तीन फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं पहला 1905 से 19 सॉरी उन्नीस से 1905 तक वो मॉडरेट्स का फेज था 1905 के बाद 1915 तक वो एक्सट्रीमिस्ट का फेज था और 1915 के बाद उस फेज को हम कहते हैं गांधीयन फेज जहां पर गांधी जी का इंफ्लुएंस था आई थिंक सबको समझ में आ रहा है हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल अभी आगे बात करते हैं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को ओके यहां तक हो गया फिर अब इसमें हम बात ये की मैंने जैसे बताया कि दोनों गरम दल और नरम दल उनको कार्य करने की उनके काम करने का तरीका अलग अलग था इसलिए दोनों में सहमति नहीं बन पाती थी सहमति नहीं बन पाती थी तो 1907 में एक सूरत का अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस की जो मीटिंग होती थी किसी किसी ना किसी शहर में साल में एक या दो बार हुआ करती थी जहां पर सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी पॉलिसीज और प्लान के बारे में बात करते थे अब जब दोनों के विचार नहीं मिलते दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं दोनों का काम करने का तरीका अलग है दोनों का सब कुछ अलग है तो क्या हुआ उनके जो मतभेद थे वो इतने बड़े होके okay, कि सूरत अधिवेशन में ये गरम दल और नरम दल बिल्कुल अलग अलग हो गए ओके okay? अलग अलग हो गए कि हम साथ में काम नहीं कर सकते तो ठीक है कोई बात नहीं हम अलग हो जाते हैं आप अपने हिसाब से काम करो एक्सट्रीमिस्ट ने काम हम अपने हिसाब से काम करेंगे जो नरम दल था उसके जो लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले उसके लीडर कौन बने गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे गे? और गरम दल किसके एंड में आया तीन नाम जो यूज होते हैं लाल लाल बाल बाल पाल 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 कौन थे लाल, बाल, पाल? लाला लाजपत राय चंद्र ओके और बाल गंगाधर तिलक ये तीन लीडर्स किसके बने गरम दल के और गोपाल कृष्ण गोखले किसके लीडर बने नरम दल के और इन्होंने अपने काम अलग अलग शुरू कर दिया अलग अलग तरह से ये कांग्रेस में अपना काम कर रहे थे अब बात करते हैं मिंटो रिफॉर्म की मिंटो रिफॉर्म क्या है देखो मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था कि मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम लीग उससे पहले एक चीज शायद मैंने छोड़ दी यस हाँ मैं सोचू मैंने कुछ छोड़ा है मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ओके ये भी बीज किसने बोया था ब्रिटिशर्स ने बोया था जो जाके ओके okay, बहुत बड़ा पेड़ पाकिस्तान के रूप में बनाया आज okay? ये जो बीज बोया था यहीं से मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई उन्नीस में मुस्लिम्स के अधिकारों के बारे में बातचीत करने के लिए उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करने के लिए उन एक रिप्रेजेंटेटिव दल की जो जरूरत महसूस हुई उस उससे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई okay? और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की ढाका किस के नवाब सलीम खान और आगा खान ओके okay. इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हुई कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई किसने सलीम उल्ला खान जो ढाका के नवाब थे और आगा खान इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की और बाकी जर, बाकी आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना इसी के लीडर बने और पाकिस्तान की डिमांड की ये सब चीजें हुई अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी उन्नीस 1909 में में मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ के इस मॉलेमेंटो रिफॉर्म में मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की इनको परमिशन दे दी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को मिल जाएगा उनके लिए अलग से इलेक्शन होंगे ओके यहीं से शुरू हो गई थी भारत में जो डिविजन की जो पॉलिसी थी वो यहीं से शुरू हो गई थी मुस्लिम्स को परमिशन ये दे, दे दी गई थी कि जो जो एरियाज है जहां पर मुस्लिम्स बहुल संख्या में हैं जो जहां पर मेजोरिटी में हैं वहां पर मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्शन होंगे और हिंदू के लिए अलग इलेक्शन हो जाएंगे ओके और वहां से मुस्लिम लीडर चुन के आएंगे बाकी हिंदू चुन के आएंगे ओके इसको कहते हैं मिंटो रिफॉर्म लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मॉल्य इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था तो इसको इसलिए कहते हैं मिंटो रिफॉर्म और इसमें यहां ये यह कह सकते हैं एक नींव है जहां से भारत के डिवीजन की शुरुआत हो गई थी क्योंकि भारत मुस्लिम्स में भारत में मुस्लिम और हिंदू एक ही सब्जेक्ट थे एक ही सिटीजन थे पर ब्रिटिशर्स ने उनको दो अलग नेशनलिटीज के लोग घोषित कर दिया और अलग अलग कर दिया यहीं से वहां पर अलग होने की शुरुआत हो गई मिंटो रिफॉर्म से अब बात करते हैं 1911 की दिल्ली दरबार क्या हुआ था दिल्ली दरबार में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया उस समय दिल्ली कौन आया था भारत में जॉर्ज फिफ्थ ओके ब्रिटेन से कौन आया था जॉर्ज फिफ्थ आए थे और दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया उस दिल्ली दरबार में मुख्य रूप से दो तीन डिसीजन लिए गए वो डिसीजन क्या थे कि दिल्ली दरबार में 1911 में ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली अब भारत की राजधानी बनेगी उससे पहले भारत की राजधानी क्या थी कलकत्ता थी ओके डेली क्या होगी डेली विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया डेली विल बी दैप न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया के उससे पहले जो कलकत्ता थी उसमें क्या हुआ उसके बाद एडवर्न ल्यूटियन सॉरी एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने रायसना हिल को चूज किया और वहां पे नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया और उसके बाद दिल्ली भारत की जो नई दिल्ली है वो भारत की क्या बन गई कैपिटल बन गई कलकत्ता सेफ्ट कर दिया गया दिल्ली को एज ए कैपिटल के रूप में दूसरा डिसीजन ये लिया गया 1905 अच्छा हमने 1905 भी छोड़ दिया ये बात करनी अब ये दोनों को लिंक करते हैं ठीक है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कौन थे लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन उस समय वाइस थे इंडिया के जिन्होंने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था उस समय और ब्रिटिशर्स ने उसका कारण ये दिया कि बंगाल जो है बहुत बड़ा स्टेट है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो सही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं पाता इसलिए ऐसा किया जाए कि बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए हम बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं और बंगाल का डिवीज़न कर दिया गया पर एक्चुअली बंगाल का डिवीज़न किया क्यों गया था क्योंकि बंगाल भारत में जो भारत में एक्टिविटीज हो रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका केंद्र बन चुका था क्योंकि बंगाल से भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत एक्टिविटीज बढ़ गई थी तब उनको लगा कि इनको नहीं रोका गया अगर तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो क्या करें बंगाल को डिवाइड कर दे और डिवाइड देविजन किस बेस पे किया गया मुस्लिम और के बेस पे. जो हिंदू हिंदू मेजोरिटी एरिया था उसको किसमें रखा गया दो पार्ट कर दिया गया बंगाल को ओके ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो एरिया था जहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे ओके और वेस्ट बंगाल ये एरिया था जहां पर हिंदूज मेजोरिटी में थे ओके ये दोनों में डिवीजन कर दिया गया यही बाद में डिवीजन आगे चल के चला क्यों ईस्ट बंगाल क्या बन गया बांग्लादेश मतलब पहले ईस्ट पाकिस्तान बना उन्नीस सौ में क्या बन गया ये बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है ये डिवीजन कर दिया गया इसके बाद इस बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल में एक मूवमेंट चलाया गया जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या चलाया गया स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि स्वदेशी आंदोलन क्या था इस आंदोलन में ये हुआ बंगाल विभाजन के खिलाफ था पर इस आंदोलन में हुआ या को, उसका बेस क्या रखा गया एंड अडॉप्ट स्वदेशी ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनका कपड़ा है वो जो भी चीजें भारत में लाते थे उन सबको बॉयकॉट करो हमारी अपनी चीजें हम यूज करेंगे हम अपना कपड़ा जो बना हुआ वो पहनेंगे हम जो चीजें बनाएंगे हम उनको यूज करेंगे बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे किसका ब्रिटिशर्स के गुड्स का और हमारा जो अपना माल है हम उसको यूज करेंगे ये था स्वदेशी मूवमेंट इसी समय मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट ये रहा लोग नंगे पैरों रैलीज में भाग लेते थे अमा सोना बांग्ला एकला रे ऐसे सॉन्ग्स इसी समय लिखे गए थे और 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ स्वदेशी मूवमेंट में इतना अपोजिशन हुआ कि 1911 में ओके 1900 जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया उसमें ये डिसाइड किया गया कि बंगाल को रीयूनाइटेड किया जाए जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में उसको क्या कर देंगे उसको रद्द कर दिया जाएगा और बंगाल वुडी री यूनाइटेड बंगाल क्या हो जाएगा री यूनाइट कर दिया जाएगा बंगाल को बट एक चीज और डिसाइड की गई कि बंगाल का डिविजन करके दो नए स्टेट बनाए जाएंगे ओके okay? जो बिहार एंड उड़ीसा तो 1913 में एक नया स्टेट बना दिया गया था बिहार उड़ीसा को बाद में बनाया गया था तो 1913 में बिहार को एक नया स्टेट बना दिया गया था ये तीन डिसीजन लिए गए थे दिल्ली दरबार में पहला राजधानी क्या होगी इंडिया की आप दिल्ली होगी ओके okay? कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगी और नई दिल्ली का निर्माण शुरू हो गया था जिसमें दो आर्किटेक्ट को चुना गया एडवर्ड ल्यूटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ओके फिर बंगाल का जो डिवीजन हुआ था 1905 में उस बंगाल के डिवीजन को खत्म करके बंगाल को यूनाइटेड किया गया जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हो गया था उसको री कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि बंगाल से अब दो नए स्टेट बनाए जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट था बिहार और उड़ीसा और 1913 में बिहार को बना भी दिया गया दिल्ली दरबार सबको क्लियर है एनी डाउट ओके अब बात करते हैं 1915 में ओके okay? 1915 में लॉर्ड 1905 लॉर्ड कर्जन था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ओके? लॉर्ड कैनिंग भारत आए थे 1915 में भारत पे कौन आया महात्मा गांधी कहां से आए साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भारत में लाए जिसको कहते हैं सत्याग्रह इस सत्याग्रह जो नया मेथड था स्ट्रगल का उसको गांधी जी ने यूज किया था उके? किसके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा रंग भेद जो था जिसको उन्होंने खुद भी फेस किया उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में यूज किया था बहुत ही सक्सेसफुली यूज किया था जब वो इंडिया में आए तो भारतीयों को भी इससे इंट्रोड्यूस करवाया 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए के आप बात करते हैं उन्नीस सौ में आने के बाद गांधी जी जो उनके गोप गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले उनकी राय पर वो भारत के एक टूर पे गए भारतीयों की दशा को समझा क्या दशा थी उनकी ब्रिटिशर्स के सामने के समय उसको उन्होंने समझा और उसके बाद उन्होंने भारत में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया सत्याग्रह के दो उन्होंने वेपन्स बताए दो हथियार बताए सत्य अगर सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं सत्य के लिए लड़ रहे हैं और हमारा जो रास्ता है अगर वो अहिंसा का है तो उसमें समय जरूर लग सकता है लेकिन हमको लास्ट में सफलता जरूर मिलेगी एक नया सत्याग्रह नया एक स्ट्रगल का मेथड गांधी जी ने भारत में इंट्रोड्यूस किया यहां तक सबको सही है उन्नीस बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है उन्नीस सौ क्या हुआ था उन्नीस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हुआ समझौता हुआ दोनों ने कि बात तो करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट अभी भी रहेगा कि इलेक्शंस अलग अलग होंगे अभी भी ऐसा नहीं कर, कि इलेक्शंस अभी भी सेम होंगे इलेक्शन अलग होंगे लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए अब दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम करेंगे ओके okay? इनके बीच में समझौता हुआ कि दोनों मिलकर काम करेंगे किसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर काम करेंगे ये समझौता कौन क्या, क्या क्या कहलाता है लखनऊ समझौता कहलाता है ओके मुस्लिम लीग की बात बताऊं मैं मुस्लिम लीग लखनऊ से मुझे एक बात और याद आई मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी ढाका में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी पर मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था लखनऊ को ये बात मुझे लखनऊ से फिर याद आई मुस्लिम लीग की स्थापना तो ढाका में की गई थी क्योंकि ढाका के नवाज सलीमुल्ला खान ने की थी और बट इसका जो सेंटर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था लखनऊ को बनाया गया था अब लखनऊ में क्या समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए के बीच कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ियसली साथ मिलके काम करेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे ज्यादा स्ट्रांगली अपोज कर सकेंगे ज्यादा स्ट्रांगली डिमांड कर सकेंगे इसलिए दोनों ने मिलकर साथ काम करने का मन बनाया और इस समझौते को हम कहते हैं लखनऊ समझौता इस समझौते को क्या कहा जाता है लखनऊ समझौता कहा जाता है इसमें एक चीज और हुई 1907 में जो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे ना कि हम अलग अलग काम करेंगे हमारी नहीं बन रही है आप अपना काम करो हम अपना काम करेंगे वो वापस एक हो गए ओके नरम दल और गरम दल दोनों में वापस क्या हो गई दोनों यूनाइट हो गए और साथ में काम करने लगे अब कांग्रेस नरम दल गरम दल दोनों साथ है मुस्लिम लीग है साथ मिलकर उन्होंने काम करना आदम कर दिया काम करने का मन बना लिया और इस समझौते को कहते हैं लखनऊ समझौता और जो सूरत स्प्लिट हुआ था इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं ओके इस चीज को जो अलग अलग हुए उसको सूरत स्प्लिट कहते हैं उस सूरत स्प्लिट भी रीयूनियन हो गया किसमें नरम दल और गरम दल में 1916 में एक और चीज हुई होम रूल लीग होम रूल लीग क्या है बाल गंगाधर तिलक ने किसने स्टार्ट किया था होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ इसमें कौन साथ था प्लस एनी यहां पर लिखते हुए आपको समझ में नहीं आएगा बाल गंगा धर तिलक और उनके साथ कौन था एनी बेसें इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी अब होम रूल लीग की स्थापना का मकसद क्या था उसकी स्थापना का मकसद था कि भारत में जो युवा वर्ग है उसको जागृत करना वो युवा वर्ग को एनकरेज करना कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करें उसमें भाग ले भारत की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा युवा आए ये किसका मकसद था होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज भी स्टार्ट किए थे वो दो न्यूज कौन से थे मराठा और केसरी और ये दो न्यूज़पेपर थे जिनके थ्रू बाल गंगा तिलक तिलक ने युवाओं को आह्वान किया था और उनको जागृत करने का काम किया था तो क्या याद रखेंगे कि मराठा और केसरी ये दो न्यूज़पेपर है जो किसने स्टार्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किए थे और होम रूल लीग को किसने स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने अब 1916 की एक बात और 1916 में जो भारत में सत्याग्रह गांधी जी ने भारत को सत्याग्रह से अवगत कराया सत्याग्रह किया था और तीन सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किए भारत में ओके पहला था 1916 में जिसको कहते हैं चंपारण चंपारण आंदोलन ये चंपारण क्यों किया था क्योंकि चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पर इंडिगो फार्मर्स जो फार्मर्स को ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो कल्टीवेट करो जो फार्मर्स नहीं चाहते थे क्योंकि उनके लिए बहुत बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं था तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन में गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया जिसको उन्नीस में पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो चंपारण में था जो उन्नीस में हुआ उन्नीस में दूसरा जो मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया वो था खेड़ा खेड़ा गुजरात में एक गांव था जहां पर फार्मर्स जो, जो किसान थे वो कर के खिलाफ टैक्सेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो 1917 में उन्होंने दूसरा मूवमेंट किया स्टार्ट किया सत्याग्रह मूवमेंट जो था तो खेड़ा में वहां के किसानों को सपोर्ट करने के लिए और 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में जो कॉटन मिल में जो वर्कर्स काम करते थे कॉटन मिल वर्कर्स उनको सपोर्ट करने के लिए कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए तीसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और यही सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल की थी पहला उन्नीस uh, जो अहमदाबाद का जो सत्याग्रह आंदोलन था इसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी हंगर स्ट्राइक की थी तो ये तीन शुरुआती आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन है जो गांधी जी ने स्टार्ट किए थे 1916 में चंपारण में 1917 में खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में यहाँ पे जो किसान नील की खेती इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे उनको सपोर्ट करने के लिए खेड़ा में किसान जो करों के खिलाफ टैक्सेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल्स वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए और यही गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक की थी यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा है सब चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं सब चीजें क्लियर है सबको हाँ सब पहली बार हड़ताल हुई थी हां भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी ने यहीं पर की थी 1918 में चंपारण का आंदोलन 1916 में हुआ था कि कैसी किसी बुक में 1917 दिया हुआ है लेकिन 1916 में हुआ था चंपारण हाँ यंग इंडिया की स्थापना भी एनी बेसेंट ने की थी सी सारी चीजें मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आज तो हम क्या ले रहे हैं शॉर्ट में सिर्फ एक टाइम पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगे आपको मुझे बतानी है अभी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे ठीक है मैं इसको और कंफर्म uh, करूंगी पर मेरे हिसाब से 1916 है ठीक है इसके बारे में यहां तक सबको क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ओके 1919 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है 1919 बहुत इंपॉर्टेंट साल है क्यों इंपॉर्टेंट साल इसलिए है कि

दो हाउस बनाए लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल इस तरह के दो हाउसेस वहां पर बनाए गए और नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर दिया गया वहां पर बढ़ाया गया और जो आ, प्रोविंसेस थे जो राज्य थे उन राज्यों की जो असेंबली थी वहां पर दो तरह के पावर्स को दो भागों में विभाजित किया गया ओके कुछ पावर्स वहाँ के जो भारतीयों को दिए गए पर कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स को रिजर्व रखा गया वो रिजर्व किसके साथ रहे वो रिजर्व पावर कहाँ रहे वो ब्रिटिशर्स के साथ रहे ये सारे जो चेंजेस थे वो किसमें कर किए गए मॉन्टेगू चें फॉर रिफॉर्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको बाई कैमरल बनाया गया दो हाउसेज उसमें रखे गए और नंबर ऑफ मेंबर्स को वहां पर क्या किया गया बढ़ाया गया जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसमें पावर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया जो रिजर्व पावर थे जो इंपॉर्टेंट पावर थे वो ब्रिटिशर्स के पास सुरक्षित रखे उन्हीं के पास थे बाकी पावर्स क्या किए गए इंडियंस को दिए गए ये ये सारे डिसीजन किसमें हुए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में अब रॉलेट एक्ट क्या था देखो भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो पॉलिसीज थी वो डे बाय डे क्या होती जा रही थी बढ़ती जा रही थी अब इनको रोकना था रोकने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला जब असेंबली में ये एक्ट पास हुआ तभी गांधी जी ने और बाकी जो लीडर्स थे उन्होंने इसका अपोज किया और गांधी जी ने कहा कि अगर वो एक्ट पास किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे वो स्ट्राइक करेंगे पर फिर भी ये एक्ट पास कर दिया गया क्या था रोलेट एक्ट कि किसी भी इंसान को किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था एंड उस अरेस्ट के खिलाफ वो किसी तरह से भी डिफेंड नहीं कर सकता है को कुछ नहीं कर सकता है और जो पहला ट्रायल 24 घंटे में होना चाहिए वो ट्रायल कहां तक दो साल तक एक्सटेंड किया जा सकता था विदाउट ट्रायल कुड बी इंप्रीज फॉर टू ईयर्स दो साल तक उसको जेल में रखा जा सकता था बिना ट्रायल के तो इस एक्ट को क्या कहा गया ब्लैक एक्ट भी कहा गया इस इस एक्ट 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 को नाम क्या दिया ब्लैक एक्ट भी कहा गया और इस एक्ट के लिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग है उसके लिए स्लोगन है कहते हैं नो अपील नो वकील नो दलील ना ही तो अपील कर सकते हो आपको अरेस्ट कर लिया गया पर आप अपील नहीं कर सकते ना ही कोई आपको डिफेंड कर सकता वकील और ना ही आप किसी तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हो किसी तरह से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते ये स्लोगन था नो अपील नो वकील नो no दलील और इस एक्ट को क्या कहा गया, भी कहा गया।, इस एक्ट को भी कहा गया। जो सॉरी ब्लैक एक्ट भी कहा गया इसके खिलाफ गांधी जी ने फिर सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल को स्ट्राइक स्टार्ट हुई एंड पूरे देश में इसके खिलाफ क्या हो गया आंदोलन शुरू हो गए सब लोगों ने इसको क्या किया अपोज किया सब लोगों ने इसको अपोज किया रॉलेट एक्ट को अपोज सारे कंट्री में शुरू हो गया फिर दूसरी घटना क्या हुई जलियावाला बाग जलियावाला बाग की जो घटना है वो क्या हुई 1910 अप्रैल उन्नीस सौ में उन्नीस में सॉरी 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था एक रैली हो रही थी कहां पर अमृतसर में इसको दो लीडर्स लीड कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल पुलिस ने फोर्स यूज किया पुलिस ने इस भीड़ को बहुत मारा और ये दोनों लीडर्स हैं इन दोनों लीडर्स को बहुत मारा पुलिस ने इसके खिलाफ क्या हुआ भीड़ भी जो थी वो उग्र हो गई और दोनों के बीच में एक वॉयलेंट क्लैश हो गया लोगों के बीच में और पुलिस पुलिस के बीच में और सिटी में क्या लगा दिया गया मार्शल लॉ सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया गया और मार्शल लॉ में किसी को भी एक जगह पर एकत्रित होना या सभा करना अलाउड नहीं था इस घटना के दो दिन बाद तेरह अप्रैल को क्योंकि अप्रैल किसका दिन होता है? बैसाखी का दिन। कुछ लोग जानबूझकर इस घटना के अगेंस्ट में जलियावाला बाग में इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे उनको पता नहीं था कि सिटी में मार्शल लो है पर जनरल डायर को जब इस घटना का पता चला उसको पता चला कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसने क्या किया अब आदमी के साथ वो वहां पहुंचा और जो जलियावाला बाग था वो तीनों तरफ से बंद है सिर्फ सामने एक एग्ज एंट्री और एग्जिट थी उसको ब्लॉक कर दिया गया और डर्नर डायर ने अपनी आदमी से कहा लोगों पर ओपन फायर करने के लिए अंधाधुंद गोलियां चलाई गई जिसमें कई लोग जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए कि इस घटना को कहा जाता है जलियावाला बाग की घटना और इस घटना के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं था उनको इसके लिए कोई पछतावा नहीं था क्योंकि जनरल डायर का जो स्टेटमेंट था कि मुझे लोगों के मन में एक डर पैदा करना है डर किसके खिलाफ पैदा करना है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी कंडीशन ये होगी ये डर मुझे लोगों के बीच में पैदा करना है इसलिए मैंने ऐसा किया मतलब उसके बाद भी उनको पछतावा नहीं था कि इतने सारे निर्दोष लोग इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें मारे गए कि अब गांधी जी को समझ में आया क्या रॉलेट एक्ट और जलिया वाला कि इन छोटे मोटे आंदोलनों से अब काम नहीं चलेगा अब हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा कुछ बड़ा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा और वो बड़ा आंदोलन क्या था असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया <coughs> गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया फिर जलिया वाला बाग के बाद दूसरी जो घटना हुई इसमें वो बात करते हैं हम खिलाफत मूवमेंट की और इस घटना के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने अपने जो टाइटल्स एंड अवार्ड्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिए और उनमें एक टाइटल था रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी बहुत बड़ी उपाधि थी उन्होंने इस घटना के अगेंस्ट में वो उपाधि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लौटा दी मूवमेंट क्या था देखो प्रथम युद्ध प्रथम विश्व युद्ध उन्नीस सौ उन्नीस में शुरू हुआ 1919 में खत्म हुआ उस प्रथम युद्ध के बाद एक ट्रीटी साइन हुई और ऐसा था उस ट्रीटी में ऐसा था कि टर्की जो था तुर्की जो था तुर्की का जो रूलर था वो उसने भी पार्टिसिपेट किया था वॉर में लेकिन वो हार गया था अब ऐसा हुआ कि एक जो डिसीजन लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा उस डिसीजन में ये था कि टर्की में जो खलीफा की जो उपाधि है खलीफा की जो उपाधि है टर्की के रूलर को जो खलीफा की उपाधि मिलती थी कौन होता था खलीफा स्पिरिचुअल हेड ऑफ़ द मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी का स्पिरिचुअल हेड होता था कि उसकी जो उपाधि थी उसको खत्म कर दिया जाए और तुर्क, तुर्की 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 को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए ऐसा डिसीजन था इस डिसीजन के खिलाफ भारत में पूरी दुनिया में मुसलमान इसके अगेंस्ट हो गए और भारत में भी दो भाई थे अली ब्रदर्स जिनको कहते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली उन्होंने 1919 में बॉम्बे में एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी ये खिलाफत कमेटी उन्होंने फॉर्म की और अब्दुल कलाम आजाद और अली ब्रदर्स ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में कहीं पर ही आपको 1919 मिलेगा और कहीं पर 1920 मिलेगा बिकॉज दिसंबर जनवरी की बात थी तो दोनों डेट्स uh, आपको मिलती है 1919 सौ और उन्नीस भी खिलाफत मूवमेंट यहां पर आरंभ किया और गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया ओके okay? क्यों क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी हिंदूज एंड मुस्लिम्स को साथ लाने की ताकि आगे जो मूवमेंट गांधी जी प्लान कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो गांधी जी वो सक्सेसफुल हो सके ये चार घटनाएं थी उन्नीस सौ उन्नीस में रिफॉर्म रिफॉर्मेट जलियावाला बाग और खिलाफत मूवमेंट आई थिंक सबको क्लियर है ये <coughs> <coughs> खिलाफत दिवस मनाया गया ठीक है मुस्लिम ने किया खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल सही है के okay? और बाकी बातें हम करेंगे बाद में इनके बारे में भी बात करेंगे ठीक है अब 1920 1920 में गांधी जी ने एक्चुअली शुरू तो किया था एक जनवरी 1921 में जनवरी 1920 नॉट एक जनवरी जनवरी 1921 में गांधी जी ने सहयोग आंदोलन जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं पर जनवरी में शुरू कर दिया था पर प्रोसेस कब शुरू हो गया था 1920 में ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था शायद टाइम हो गया है क्या टाइम हुआ है अभी कोई बात नहीं ठीक है मुझे लगता है मैंने सोचा था आधुनिक भारत आज हम खत्म कर पाएंगे पर मुझे नहीं लगता कि आधुनिक भारत तो क्योंकि बहुत सारा बचा हुआ है अभी तो मेन वो आज शायद हम खत्म नहीं कर पाएंगे चलो सहयोग आंदोलन लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे ठीक है 1920 में 1920 में दो अधिवेशन हुए कांग्रेस के पहला सितंबर का अधिवेशन हुआ कहां पर नागपुर में सॉरी कलकत्ता में और दूसरा अधिवेशन हुआ दिसंबर का कहां पर नागपुर में पहले अधिवेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन का उनका जो प्रोग्राम था उसको कांग्रेस के मेंबर्स के सामने रखा जिसमें क्या था फॉरेन क्लोथ्स जो ब्रिटिशर्स के जो कपड़ा था उनकी जो चीजें थी उनका बॉयकॉट करना टीचर्स और स्टूडेंट मैं स्कूल और कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे लॉयर्स कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे के इस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम रखा सारे इश्यूज पे सारे जो मुद्दे थे उन पे कांग्रेस के सारे मेंबर्स एग्री थे पर एक मुद्दे पर राय नहीं बनी वो राय मुद्दा क्या था कि कुछ कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो असेंबली इलेक्शन जो होने थे जो प्रपोज थे नवंबर 1920 में उसको बॉयकॉट करना वो उसके लिए तैयार नहीं थे तो डिस्कशन चलता रहा और फाइनली जो दिसंबर का नागपुर सेशन हुआ उस दिसंबर के नागपुर सेशन में ओके okay, डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस अब आ, किस किसके साथ जाएगी नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के साथ जाएगी और गांधी जी ने जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया ओके कई कई 1920 भी आपको मिलता है ओके okay? प्रॉपरली लॉन्च किया था 1921 में पर ये प्रोसेस 1920 में ही शुरू हो गया था गांधी जी को ये आइडिया गांधी जी ने ऑलरेडी उन्नीस में एक बुक लिखी थी गांधी जी ने 1909 में गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज गांधी जी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज और इस बुक में गांधी जी ने लिखा कि ब्रिटिशर्स भारत में आए व्यापारियों के रूप में और अपने आप को स्थापित कर दिया शासक के रूप में क्यों क्यों हुआ हमारी वजह से हमने सपोर्ट किया हमने कॉपरेट किया मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया था वहीं से उन्होंने रास्ता खोल दिया है आने का ओके तो हमने सपोर्ट किया अगर हम सपोर्ट बंद कर दें आर्मी में इंडियंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस हैं उनका व्यापार भारत में होता है हम सब सपोर्ट बन कर दे तो ब्रिटिशर्स को तो साल भर में बोरिया बिस्तर बन के जाना पड़ेगा के ये उनका आइडिया था और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बॉयकॉट ऑफ एवरीथिंग जो भी ब्रिटिशर्स से संबंधित है उसको बॉयकॉट करो उनके कपड़े उनके सामान हर उनकी सर्विसेज सबको बॉयकआउट करो और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स को इस समय क्योंकि उनका जो इम्पोर्ट था इंडिया में वो आधा रह गया था 102 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट होता था उनका भारत में जो करीबन सत्तावन करोड़ रुपए तक ही रह गया था इम्पोर्ट इंडिया में आधा हो गया था बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उनको झेलना पड़ा था ओके ऐसा आंदोलन शुरू हुआ बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में डिटेल में बात अभी नहीं कर सकते फिर 1922 में ही गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद इसको क्या कर दिया खत्म कर दिया क्यों खत्म कर दिया क्योंकि गांधी जी खुश नहीं थे गांधी जी क्या चाहते थे एक अहिंसा पूर्ण मोमेंट हो आंदोलन कैसा हो अहिंसावादी आंदोलन हो जहां पर किसी तरह की हिंसा ना हो पर ऐसा मुश्किल था क्योंकि जब पुलिस लोगों को मार रही है डंडे बरसा रही है उस समय अपने आप को शांत रखना वो भी एक पूरी क्राउड साथ में हो उस समय अपने आप को शांत रखना बहुत मुश्किल था Okay. तो जगह जगह ये आंदोलन क्या हो जाता था हिंसक हो जाता था गांधी पहले भी खुश नहीं थे कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में वहां पर एक ऐसी रैली निकल रही थी उस रैली को लाठियां वाठिया बरसाई होगी तो वो जो भीड़ थी वो बहुत उग्र हो गई उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और पुलिस स्टेशन को जला दिया और इस घटना में बाईस पुलिसकर्मी मारे गए और जब गांधी जी को इस घटना के बारे में पता चला तो उनको बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने हाथों हाथ उसी समय नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है एसओएन आंदोलन को क्या कर दिया खत्म कर दिया इसके लिए सब लोगों ने गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किया क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि <clears throat> लोगों ने इतने मन के साथ इतनी उम्मीदों के साथ इस मूवमेंट में भाग लिया था उनकी कोई उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ये मूवमेंट खत्म कर दिया गया पर गांधी जी ऐसा हिंसक मूवमेंट नहीं चाहते थे ऐसा हिंसक आंदोलन नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने चौरी चौरा की घटना के बाद इस मूवमेंट को क्या कर दिया खत्म कर दिया के तो उन्नीस में ऐसा आंदोलन खत्म हो गया ठीक है आज हम शुरू करते हैं कल हमने बात की थी उन्नीस तक ओके okay? उन्नीस में क्या हुआ था चौरी चौरा की इंसिडेंट हुई थी उसके बाद गांधी जी ने जो एसहयोग आंदोलन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको क्या कर दिया था खत्म कर दिया था अब उसके बाद 1922 के बाद 1923 1923 में भी कुछ चीजें हुई वो क्या हुई उन्नीस में स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी फॉर्म की गई किसके द्वारा स्वराज पार्टी फॉर्म की गई मोतीलाल नेहरू और सियाद दास ओके ये दो मेन लीडर थे जिन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया और बाकी लीडर्स ने भी फिर स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया बट बाद में सियादास मतलब चितरंजन दास की डेथ हो गई थी उसके बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया था पर इस पार्टी की फॉर्म पार्टी फॉर्म में उस समय कांग्रेस को बहुत इससे सपोर्ट मिला 1923 के बाद 1924 1924 में एक जैसे भारत में दो तरह के क्रांतिकारी दो तरह के फ्रीडम फाइटर्स थे पहले जो पिटिश में या डोमिनियन स्टेटस में बिलीव करते थे पर कुछ लोग थे जो ये मानते थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे उनको लगता था अहिंसा से नॉन वायलेंस से कभी भी फ्रीडम नहीं आ सकती अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा ठीक गोलियों से ही फ्रीडम आएगी बाकी अगर अहिंसा का रास्ता अपने अपनाया तो वो अहिंसा का रास्ता कहीं काम नहीं आएगा उससे फ्रीडम नहीं मिलेगी ऐसे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने मिलकर जिसमें एक नए ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था एच आर रिपब्लिकन आर्मी एच आर रामप्रसाद राम प्रसाद बिस्विल ने इसकी स्थापना की थी एच आर की स्थापना इस समय हुई और इन्होंने ये जो राम प्रसाद बिस्लिम बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद इन सब ने मिलकर ही काकोरी ट्रेन लूटी थी ओके okay, काकोरी ट्रेन की घटना हुई थी जो काकोरी ट्रेन में जो धन था उन्होंने लूटा था किसके लिए अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए okay, उन एक्टिविटीज के लिए okay? उसके बाद 1928 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है ओके okay? बहुत इंपॉर्टेंट साल जिसने भारत के राजनीतिक जो सिनेरियो था राजनीतिक जो सीन था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया उन्नीस में ब्रिटेन में फ्लोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन की स्थापना की सर जॉन साइमन को उसका हेड बनाया और एक कमीशन की स्थापना की क्या कि एक कमीशन बना दो भारतीय जो इतना डिमांड कर रहे थे पावर को ट्रांसफर करो हमको अपना पावर दो उनको थोड़ा सा शांत कर दो एक लॉलीपॉप देके थोड़े टाइम के लिए शांत कर दो हमारे यहां भी होता है ना कोई डिसीजन लेना है पर एक कमेटी बना दो अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक डिसीजन बनेगा तब तक तो चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है ठीक okay? तो यहां पर भी यही किया गया कि एक कमीशन बना दिया गया साइमन कमीशन सर जॉन साइमन इसके हेड थे और इस कमीशन में सात मेंबर थे के इस कमीशन को 1928 में भारत भेजा गया 1928 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया किसके लिए ओके यहां पर यहां की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस क्या चाहिए ओके उनके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर भारत का बनेगा तो रिकमेंड ये कमीशन करेगा कि क्या क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से भारत के लिए कमीशन तैयार किया जाएगा तब तक तो, तो भारतीय चुप बैठेंगे इसलिए ये कमीशन बना दिया गया और इस कमीशन को भारत भेजा गया कमीशन को भारत भेजा गया 1928 में 1928 में कमीशन भारत आया पर कमीशन के आते ही लोगों ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया के और कमीशन अपोज इसलिए किया गया कमीशन को क्योंकि इस कमीशन में सात मेंबर थे और सातों के साथ क्या थे ब्रिटिशर्स थे इसीलिए इस कमीशन को वाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्या कहते हैं वाइटमैन कमीशन वाइटमैन कमीशन भी इसको कहते हैं क्यों कहते हैं व्हाइटमैन कमीशन क्योंकि सारे के सारे जो इसके मेंबर्स थे वो सारे के सारे मेंबर्स क्या थे ब्रिटिश uh, थे अब वो ब्रिटिश जो ब्रिटेन से यहाँ आए उनको क्या पता है कि भारत की सर्कमस्टांसेस क्या है उनको भारत की जरूरतें क्या है ओके okay? वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भारत को किस तरह का संविधान चाहिए किसी भी एक भी इंडियन को इसमें शामिल नहीं किया गया इसलिए लोगों ने सम, साइमन गो बैक के नारों से इसको अपोज किया और साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया उसके बाद 1928 में ही एक दूसरा एसोसिएशन फॉर्म हुआ जिसका नाम था एच हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी अब इसमें एक चीज हो रही साइमन कमीशन का जब अपोजिशन हो रहा था उसी समय लाला लाज जो लोग थे जो अपोजिशन कर रहे थे ओके उसी भीड़ में लाला लाजपत राय भी थे और उनको क्या हुआ पुलिस की एक लाठी लगी और उनकी डेथ हो गई अब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई तो इससे जो युवा वर्ग था उनमें बहुत आक्रोश था वो बहुत गुस्से में थे लाला लाजपत राय की डेथ के बाद पहले साइमन कमीशन की वजह से नाराज है फिर लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई के तो एच एस आर ए के जो मेंबर थे ओके एच एस आर ए को फॉर्म किया था चंद्रशेखर आजाद ने और इसके जो मेंबर्स थे ओके भगत भगत सिंह राजकेश सॉरी सुखदेव राजगुरु बट केशवर दत्त इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आप किस क्या करेंगे क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ में जो ऑफिसर था जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था वो कौन था स्कॉट उसकी उसको मार देंगे गे? लेकिन वो उसको मारने गए उसको नहीं मार पाए लेकिन उन्होंने दूसरे एक ऑफिसर सोंडर्स को मार दिया के और इसी समय इन्होंने क्या किया इन्हीं मेंबर्स ने असेंबली में एक बॉम्ब गिराया एक बॉम्ब गिराया और बम गिरा गिराया उसके बाद ये पकड़े गए और बम के साथ उन्होंने कुछ छोड़े पेपर्स भी वहां पर छोड़े जिसपे लिखा हुआ था हमें बहरों को सुनाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बिल्कुल बहरी हो चुकी है भारतीयों के प्रति हमें उन्हें सुनाना है उनका कहना है कि वी डोंट बिलीव इन द कल्ट ऑफ पिस्टल्स एंड बॉम्ब्स कि हम ऐसी जो कल्ट है पिस्टल्स और बॉम्ब्स की उसको बिलीव नहीं करते हैं के पर हमको फिर भी बहरों को सुनाना है इसलिए हमने ये धमाका किया है हमको किसी को मारना नहीं है पर ये धमाका इसलिए किया है ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जागे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों की भी सुननी है फिर उसके बाद बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह सॉरी भगत सिंह राजदेव और सुखगुरु सुखदेव और राजगुरु इनको क्या दे दी गई फांसी दे दी गई ओके? Okay? उनको फांसी हो गई ठीक है ये एच एस आर ए दो एसोसिएशन फॉर्म किए क्रातिकारियों ने एक एच आर ए जो उन्नीस सौ चौबीस में और एच एस आर ए फॉर्म किया था उन्नीस में ठीक okay? अब उन्नीस सौ उन्तीस में एक और चीज हुई साइमन कमीशन के बाद जो भारतीय सारी पार्टियां मुस्लिम लीग भी और सारी पार्टियां जो इतनी नाराज थी गवर्नमेंट से क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत भारतीयों को गवर्नमेंट अब उनका पावर ट्रांसफर करेगी तो एक ऑफर दे दिया लॉर्ड इरविन ने जो उस समय वाइज रहे थे कि आप डोमिनियन स्टेटस बना लो डोमिनियन स्टेटस बना लो मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारतीय अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाए ब्रिटिशर्स के अंडर में स्टेटस बना लो ऐसा ऑफर तो दे दिया पर उस ऑफर में कुछ भी क्लियर नहीं था कि okay? कुछ भी क्लियर नहीं था कि भारतीयों का क्या रोल होगा और ब्रिटिशर्स का क्या रोल होगा पावर का डिवीजन कैसे हो गया फिर भारतीयों को समझ में आ गया कि फिर एक लॉलीपॉप उनको दे दिया गया है ओके okay? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो पावर को ट्रांसफर करें के okay? फिर भारतीय नाराज हुए और अब उनको समझ में आ गया कि हमें लड़ना खुद को खुद को लड़ना पड़ेगा और लड़के ही हमको क्या मिलेगा हमारा पावर मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई मंशा नहीं है कोई इच्छा नहीं है भारतीयों को पावर देने की तो उन्नीस में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ उन्नीस में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ तब हुआ दिसंबर 1929, ओके? Okay? के इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू इसमें दो मेजर डिसीजंस लिए गए क्या दो डिसीजंस लिए गए पहला डिसीजन ये लिया गया कि कांग्रेस अब किसके लिए लड़ेगी पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं कुछ नहीं पूर्ण स्वराज हमको अपना पूरी स्वतंत्रता चाहिए ओके okay? हमको अपना देश वापस चाहिए उसके लिए लड़ेगी और एक चीज और डिसाइड की गई दिसंबर 29 में हुआ कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में या स्वराज दिन के पूर्ण स्वराज दिन के रूप में मनाई गई ये मनाया भी गया भारत स्वतंत्र तो था नहीं पर सिंबॉलिकली मनाया गया कि जल्दी ही आज़ादी हमारे हाथ में होगी और इसीलिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी को कि हिस्टोरिकली डे क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक हिस्टोरी हिस्टोरिक अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नवंबर 1949 में ही कंप्लीट हो गया था पर ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1930 को क्योंकि वो दिन कौन सा था हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस दिन हमने अपना स्वराज डे दे, स्वतंत्रता दिवस मनाया था ठीक है स्वराज डे मनाया गया उन्तीस में ये दो मेन घटनाएं हुई डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दिया लॉर्ड एडविन ने ओके और लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ कब 1929 में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था अब 1930 1930 1930 में क्या हुआ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया उससे पहले क्या हुआ गांधी जी ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को तीस जनवरी उन्नीस को और कुछ डिमांड्स रखी थी उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की और ये सब डिमांड्स रखी थी और उसमें एक डिमांड थी नमक कानून को हटाने की क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कानून लगा दिया था भारत में नमक कानून कि भारत ना नमक बना सकते हैं और नमक पे उन्हें क्या देना पड़ेगा कर देना पड़ेगा तो इसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा और अल्टीमेटम दिया अगर ग्यारह मार्च तक उन्होंने इसको नहीं माना तो गांधी जी फिर सविनय अविज्ञ आंदोलन शुरू करेंगे पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं माना कोई मांग नहीं मानी तो गांधी जी ने सविनय अभिज्ञ आंदोलन की शुरुआत की दांडी मार्च से दांडी मार्च क्या था गांधी जी ने एक मार्च शुरू किया सेवेंटी टू मेंबर्स करीब सेवेंटी एट मेंबर्स के साथ उन्होंने मार्च स्टार्ट किया क्या? से साबरमती आश्रम से डांडी कोस्टल एरिया तक ओके okay, डांडी जो गुजरात में कोस्टल एरिया था दो माइल का कुछ था गांधी जी रोज और रास्ते में लोगों से मिलते, उनको करते, उनको एंकरेज करते कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करें और जो, 78 के साथ जो शुरू हुआ था पहुंचते पहुंचते करीबन पचास हजार लोग गांधी जी के साथ थे वहां गांधी जी ने नमक बनाकर नमोक के कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया ओके okay? आंदोलन बहुत बड़े रूप में आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि इस समय, इस इस समय बार महिलाओं ने ने भी बहुत बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। और बहुत लोगों ने भाग लिया लिया और सारे लोगों था आंदोलन में okay? और इसी आंदोलन को नॉर्थ वेस्ट फ्रंट एरिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लीड किया था इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी इसीलिए कहा जाता है फिर ये चल रहा था गांधी जी को भी बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि जगह जगह ये आंदोलन क्या होता था हिंसक हो रहा था और गवर्नमेंट के लिए भी लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हजारों लोग मारे गए अलग अलग घटनाओं में और हजारों लोगों को गवर्नमेंट ने जेलों में बंद कर दिया जिसमें महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में थी फिर एक गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ के इसके बीच में नाइनटीन थर्टी वन के उसके बाद बात करेंगे पहले ये देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट गांधी 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 इरविन इरविन पैक्ट पैक्ट 1931 में में साइन हुआ गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन पैक्ट में था गांधी जी ने इस पैक्ट के आधार पर सिविल मूवमेंट को क्या कर दिया सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया मतलब खत्म कर दिया उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ किया और अपनी कंसेंट दे दी कि अपनी सहमति दे दी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी ब्रिटेन में उसके बारे में बात करेंगे बाद में तो ये आ, अपनी सहमति दे दी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे जो भी उनकी डिमांड्स है और जो गवर्नमेंट का मोटो था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गोलमेज सम्मेलन जिसको कहते हैं और गवर्नमेंट भी राजी उस समय तैयार हो गई कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया था इस पीरियड में गवर्नमेंट उनको सबको रिलीज कर देगी इसको कहते हैं पूना गांधी पैक्ट जो कब साइन किया गया था फिफ्थ मार्च 1931 को साइन किया गया था अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की तीन गोल्स में सम्मेलन हुए तीन गोलमेज सम्मेलन कौन से हुए पहले देखिए पहला दूसरा और तीसरा ये 1931 में पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ फर्स्ट और सेकेंड दोनों गोलमेज सम्मेलन हुए कब 1931 में सेकेंड दोनों गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट और सेकेंड दोनों गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुए 1931 क्या हुआ पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया कांग्रेस ने एक्चुअली गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद था गवर्नमेंट का वो था कि हम भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा उसके ऊपर डिस्कस किया करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया था पर कांग्रेस पहले से ही भारत भा, उससे बहुत नाराज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि गोलमेज सम्मेलन में भाग वो नहीं लेंगे तो गांधी जी भी नहीं जा पाए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए लंडन बहुत सारे दूसरे मेंबर्स के साथ उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे बी आर अम्बेडकर ही वो थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो गांधी जी गए बी आर अम्बेडकर गए पर किसी भी मामले पर सहमति नहीं बनी ना ही कांग्रेस ने ये माना जो जो प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखे और जो गांधी जी ने प्रपोजल रखे वो गवर्नमेंट ने भी नहीं माने के कोई भी राय नहीं मानी गई पर इस सम्मेलन में एक चीज हुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अलग से इलेक्शन दलितों के लिए कराने की मांग की के उनके हिसाब से अगर जनरल इलेक्शन होंगे तो उसमें किसी भी दलित कैंडिडेट को कोई भी वोट नहीं देगा वो चुने नहीं जाएंगे तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट कराने की बात थी बात की गवर्नमेंट तो तैयार थी ओके एक पैर पे, पे, पे खड़ी है कि हाँ चलो आप आपके लिए अलग से इलेक्शन करा दिए जाएंगे क्योंकि यही तो फूट फूट uh, डालो राज करो की नीति थी गवर्नमेंट की कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है अगर अलग से इलेक्शन उनके लिए करवाए जाते हैं तो दलितों का जो समर्थन किसके पास होगा गवर्नमेंट के पास होगा ओके और इस तरह से ऑलरेडी जो इतना बड़ा गैप था ओके हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में वो और बढ़ जाता के और बढ़ जाता गवर्नमेंट यही चाहती थी इसलिए गवर्नमेंट तैयार हो गई कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन उन्नीस में हुआ इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ओके तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या डिसाइड किया गया भारतीय अधिनियम एक्ट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 1935 जो बाद में 1935 का आया वो डिसाइड किसमें किया गया था सम्मेलन में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया क्या था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया 1935 में जो आया वो इस, गो, इस गोलमेज सम्मेलन में, में डिसाइड किया गया था इसमें जो भारतीय राज्य थे ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो राज्य थे उनको और ज्यादा पावर दे दिए गए उनको और ज्यादा पावर दिए गए कि ना अभी जब राज्यों से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स पे ओके लॉ कौन बना सकता है वहां के जो रूलर्स जो भी वहां लोग चुने जाते हैं जो असेंबली है वो असेंबली लॉ बना सकती है उनको ये फ्रीडम दे दी गई गवर्नर के जो पावर थे उनको ऐसे ही रखा गया पर जो असेंबली थी जो असेंबली चुनी जाती थी राज्यों में उसको ये पावर दे दिए गए कि आप अब फ्रीली क्या बना सकते हो लॉ बना सकते हो जो राज्यों से संबंधित है ये था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो कब डिसाइड किया गया था गोलमेज सम्मेलन में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था okay. और 1932 में ही पूना पैक्ट साइन किया गया सब समझ में आ रहा है आपको थैंक यू कमल यस yes, अम्बेडकर ने सभी में पार्टिसिपेट किया था सब समझ में आ रहा है गुड इवनिंग टू ऑल जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है थैंक यू एवरीवन थैंक यू आपका सपोर्ट रहा इन क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होगी <coughs> अब देखते हैं पूना पैक्ट पूना पैक्ट क्या था जैसे मैंने बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की अलग से इलेक्शन कराने की डिमांड की पर गांधी जी ने इसका विरोध किया गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया गांधी जी ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की नीति थी दोनों के बीच में फूट डालने की अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता तो दलितों का समर्थन गवर्नमेंट के पास हो जाता क्योंकि उनके अपने देश में जहां पर दलितों को इस तरह से ऑब्वियसली उनकी कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं थी भारत में उनको अगर कोई पावर दे रहा है तो उनका समर्थन तो गवर्नमेंट के साथ जाएगा और ऐसे समय में जब सारे लोगों को एक साथ मुस्लिम्स वैसे ही अलग थे हो चुके थे इस समय तक दलित अगर अलग हो जाते तो सारी कम्युनिटी सारे ग्रुप्स के सहायता के बिना उनके ग्रुप के उनकी यूनिटी के बिना ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना नामुमकिन था सो so, गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो एक ऑलरेडी गैप है वो गैप और बड़ा हो तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि मेंशन करूंगा अगर अलग से इलेक्शन कराया जाए तो फिर एक पूना पैक्ट साइन किया गया समझौता कराया गया गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता कराया किसने राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक समझौता कराया और इस समझौते में के, इस समझौते में यह कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा अलग से इलेक्शन तो नहीं होगा अलग से इलेक्शन नहीं होगा लेकिन जो असेंबलीज हैं प्रोविंशियल असेंबलीज जो है उनमें कुछ सीट रिजर्व रख दी जाएगी किसके लिए एस टी कैंडिडेट्स के लिए यह समझौता था जो पूना पैक्ट कराया गया किसके बीच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्योंकि गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे कि अलग से इलेक्शन दलितों के लिए कराया जाए ठीक इस तरह से दोनों के बीच में क्या हुआ समझौता हुआ इस समझौते को कहते हैं पूना पैक्ट फिर 1935 में मैंने आपको बताई दिया है कि भारत शासन अधिनियम क्या था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ओके okay, जो गोल में सम्मेलन में सम्मेलन डिसाइड किया गया था था वो क्या था? कि भारत के जो राज्य थे क्योंकि अब कांग्रेस भी बहुत सारे राज्यों में आ गई थी पावर में तो वहां की जो प्रोविंसियल असेंबली है okay, वहां की जो राज्यों की असेंबलीज है उनको ये अधिकार दे दिया गया कि राज्य से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है पे वो लॉ बना सकती है गवर्नमेंट के पावर्स को वैसे ही रखा गया गवर्नर के पावर्स को पर बाकी लोगों को ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपने लॉस बना सकती है मतलब थोड़े से पावर इंडियंस के बढ़ाए गए ओके वो हुआ 1935 में 1935 के बाद 1937 में क्या हुए भारत में इलेक्शंस हुए इन इलेक्शंस में क्या हुआ 11 में से 11 जो राज्य थे ब्रिटिश राज्य थे उसमें सात राज्यों में कांग्रेस जीत गई ओके और कुछ ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो एरियाज थे पंजाब और सिंध वहां भी कांग्रेस जीती तो मुस्लिम लीग ने क्या ऑफर दिया देखो धीरे धीरे कैसे गैप बढ़ता जा रहा है मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में मुस्लिम लीग ने एक ऑफर मोहम्मद ने एक ऑफर दिया कांग्रेस को कि क्यों ना हम मिलके एक कॉलिजन गवर्नमेंट ओके साथ में मिलके गवर्नमेंट uh, बनाए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाए उसका उन्होंने ऑफर दिया जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया क्योंकि कांग्रेस को किसी की जरूरत ही नहीं थी तो कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया और यहीं से जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके दिमाग में दो नेशंस की थ्योरी कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग होना चाहिए ओके okay? वो थ्योरी उनके दिमाग में बैठ गई और वो थ्योरी को वो फॉलो करने लगे यहीं से कांग्रेस और उनके बीच में दराज जो है वो गहरी होती गई के okay? फिर नाइनटीन में नाइनटीन तक आपको सब क्लियर है के okay? कांग्रेस पावर में आ गई थी 1938 में क्या हुआ हरिपुरा का सम्मेलन हुआ हरिपुरा कहां पर है गुजरात में और इस सम्मेलन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे सुभाष चंद्र बोस इस सम्मेलन के प्रेसिडेंट थे सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस बोस और इस सम्मेलन में क्या हुआ ने एक प्रपोजल दिया कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया जाए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से तो कभी भी सहमत नहीं थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से कभी भी सहमत नहीं थे वो उनके अहिंसा वाले जो माल की बात पर वो कभी भी सहमत नहीं थे चौरी चौरा के बाद जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था तब भी सुभाष चंद्र बहुत नाराज हुए थे ओके okay, तब भी वो इससे सहमत नहीं थे तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया जाए कि छह महीने के अंदर अंदर भारत को आजाद करो ओके okay? और या डोमिनियन स्टेटस भारत को दो ओके okay? पर गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में अनबन हुई और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया कांग्रेस को छोड़ दिया और छोड़ करके उन्होंने एक नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने नई पार्टी बनाई ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाई और में तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत ही छोड़ दिया के वो चले गए बर्लिन और उनको इनवाइट किसने किया राजबिहारी बोस ने ओके क्योंकि राज बिहारी बोस ने एक नई एक नई आदमी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ओके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी और उनको इनवाइट कि okay? की की किया और क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अहिंसा से कुछ भी नहीं मिलने वाला भारत को तो उन्होंने हाथ किससे मिलाया उन्होंने हाथ मिलाया जर्मनी और जापान से अब जर्मनी और जापान से क्यों हाथ मिलाया देखो क्योंकि में ये हम बात की बात करें 1941 के आसपास की 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम कौन सा है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी 1939 से 1945 ये टाइम था सेकंड वर्ल्ड वॉर का और सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो साइड्स थे एक साइड में ब्रिटिशर्स फ्रांस रशिया यूएसएसआर और यूएसए थे तो दूसरी साइड में कौन था जर्मनी इटली और जापान तो जर्मनी और इटली दोनों जर्मनी और जापान दोनों किसके अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के इंडिया में किसका शासन है ब्रिटिशर्स का शासन है तो एनिमी हुए वो वो उनके दुश्मन हुए तो उन्होंने उस पे उनसे हाथ मिला लिया इधर जापान तैयारी कर रहा था कि वो भारत पे आक्रमण करें ओके तो जापानीज आदमी के साथ आजाद हिंद फोर्स भी साथ में हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी भारत पे आक्रमण किसके करेंगे किसके साथ जापानीज फोर्स के साथ बर्मा तक जापानीज आर्मी पहुंच भी गई थी पर इसी बीच में जापानीज आर्मी ने अपना प्लान बदल दिया ओके के बाद जापानीज आर्मी क्या हो गई लौट गई वापस और इधर एक प्लेन प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई और आजाद हिंद फोर्स के जो क्रांतिकारी थे उनमें से कई लोग पकड़े गए ओके फिर 1938 के बाद 1938 के बाद ये सारी चीजें हुई अब 1942 और 1939 में एक और चीज हुई 1939 में एक और चीज हुई कि 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस समय कांग्रेस के जो मेंबर्स थे जिन्होंने सात राज्यों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी इन सब ने क्या कर दिया रिजाइन कर दिया रिजाइन क्यों कर दिया रिजाइन इसलिए कर दिया क्योंकि अब भारत के सात ग्यारह में से सात राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने से पहले क्योंकि इंडायरेक्टली इंडिया भी उसका पार्ट बन रहा था गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस की राय लेनी थी और बिना राय के उन्होंने डिसाइड कर लिया वर्ल्ड वॉर के लिए, तो इन सारे जो सात राज्यों में जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस के जो मेंबर्स थे इन्होंने अपनी पोस्ट से क्या कर दिया रिजाइन कर दिया अब और एक चीज और हुई 1940 में ओके okay, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उन्नीस के बाद से जब उन्होंने ऑफर दिया था कि हम साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए और कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे बहुत नाराज हो गए थे और उनके दिमाग में वो चीज बैठ गई थी कि अब मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र होना चाहिए पाकिस्तान होना चाहिए ओके तो उन्नीस में ही उन्होंने पाकिस्तान नाम के एक नए आ, मुस्लिमों के लिए राष्ट्र की डिमांड कर दी थी तो पाकिस्तान की डिमांड पहली बार कब हुई थी 1940 में ओके 1940 में पहली बार पाकिस्तान की डिमांड हुई क्या हुई थी पाकिस्तान की मांग हुई थी किसके द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार उन्होंने 1940 में ही मांग कर दी थी पाकिस्तान की उन्होंने मांग करी अब हम बात करते हैं 1942 की 1942 में क्या हुआ सबसे बड़ी बात अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है 1942 में ब्रिटिशर्स इसका पार्ट है बहुत बड़ा नुकसान जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें दो चीजों का बहुत ही नुकसान होता है मैन एंड मनी ओके पैसा भी बहुत लगता है और बहुत सारे सोल्जर्स भी मरते हैं मैन एंड मनी दोनों का बहुत नुकसान होता है तो ब्रिटिशर्स को भी वही फेस करना पड़ रहा था ओके okay? बहुत नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हो रही थी वॉर में और बहुत सारा पैसा ब्रिटिशर्स का लग रहा था तो आर्थिक रूप से जो ब्रिटेन है वो काफी कमजोर हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही उसी समय 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था कहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ कब 8 अगस्त को 8 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ ओके 8 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त को जो कांग्रेस की कमेटी के मेंबर्स थे ओके okay, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और कांग्रेस को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने और इतने बड़े लेवल पे हुआ था क्योंकि इस समय और नए जो लीडर्स थे राम मनोहर लोहिया ओके okay, अरुणा आसफ अली ऐसे नए लीडर्स भी अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हजारों लोगों को मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि गवर्नमेंट को हजारों लोगों को जेलों में डालना पड़ा करीबन पचास से साठ हजार लोगों को गवर्नमेंट ने जेलों में डाला ओके इस आंदोलन के समय अब 1942 का जो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने एक स्लोगन भी दिया था आप सबको पता है वो स्लोगन क्या था डू और डाई करो या मरो या तो देश के लिए कुछ कर जाओ नहीं तो देश के लिए मर जाओ ओके okay? करो और मरो का स्लोगन किसने दिया था गांधी जी ने किसमें भारत छोड़ो आंदोलन में अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय इधर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है भारत में और उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है अब दोनों चीजों को संभालते संभालते ब्रिटेन की हालत क्या हो चुकी थी बहुत ही खराब हो चुकी थी पर यह डिसाइड हो गया था कि अब भारत में जो ब्रिटिश सत्ता बहुत सालों तक नहीं चल पाएगी अब ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ेगा भारत को छोड़ना पड़ेगा यहीं से शुरू हो गई थी भारत की आजादी की कहानी 1942 में जहां ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी 1942 फिर क्या हुआ 1942। ये चलता रहा 1945 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और ये डिसाइड ही हो चुका था कि अब भारत में भारत की और उससे पहले 1942 में एक और चीज आई थी जो मैं आपको बताना अभी नहीं बता पाई 1942 में ब्रिटिशर्स ने भारत में एक आ, मिशन भेजा एक क्रिप्स मिशन भेजा भारत में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अंडर में ओके क्रिप्स मिशन भारत आया था उन्नीस में क्या आया था भारत क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में और क्रिप्स मिशन का जो मकसद था इसके हेड कौन थे स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे इसके इसके हेड क्रिप्स हेड थे और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन का जो मकसद था वो ये क्या था क्रिप्स मिशन ने भारतीयों से रिक्वेस्ट की भारत के जो लीडर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी आप हमको सपोर्ट करो किसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए आप हमको युद्ध में सपोर्ट करो और हम फिर उसके बाद भारत को आजादी दे देंगे भारत को पावर को क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे ये क्रिप्स मिशन का मकसद था जिसके जो भारत में भेजा गया था जिसके हेड कौन थे स्टेफोर्ड क्रिप्स उनके अंडर में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया और उसका मकसद यही था कि अभी तो युद्ध में तो भारतीय अंग्रेजों की सहायता करें ओके okay? और युद्ध के बाद जैसे ही फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद भारतीयों को आजादी दे दी जाएगी ओके okay? ये मकसद था स्टेफोर्ड क्रिप्स का यहां तक सबको समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट है ये क्लास नौ बजे लाइव आती है के okay? आप सबको बता दूं हमारी क्लास का टाइम जो रहेगा वो नौ से दस का टाइम रहेगा ये क्लास हमारी नौ से दस के बीच में आएगी साइमन कमीशन आया था भारत में उसी की तो बात हमने की 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था इसी साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था आप सभी को बता दूं हमारी क्लास का जो टाइमिंग है जिन्होंने नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारा टाइमिंग नौ से दस का रहेगा रोज ये क्लास नौ से दस के बीच में होगी के अब उन्नीस तक की कहानी हो गई अब उन्नीस में अब ये तो क्लियर ही हो गया कि भारत अब आजाद हो जाएगा भारत को आजादी देनी ही पड़ेगी और उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया ओके और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया वो किसके अंडर में भेजा गया हेड कौन थे इसके हेड थे सर लॉरेंस पैथिक लॉरेंस सॉरी सुमित आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए okay. इस तरह से तो आपसे बात होना मुश्किल है पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप लिखिए प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन uh, आपको मिल जाएगा के okay. आप बात करते हैं जो कैबिनेट मिशन है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे जैसे क्रिप्स मिशन के हेड थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और वो इस इस कैबिनेट मिशन में भी थे स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे वो कैबिनेट मिशन में भी साथ थे पर इसके हेड कौन थे ओके okay, पैथिक लॉरेंस कौन थे हेड पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का जो मकसद क्या था भारत में क्योंकि अब ये तय हो चुका था कि भारत में पावर ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका जो प्रोसेस था उसको स्टार्ट करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया ओके कैबिनेट मिशन के जो सब प्रपोजल थे उसमें क्या था पहले एक अंतरिम गवर्नमेंट का का गठन कि एक अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे उसके बाद यहां पर पावर कौन संभालेगा उसके लिए अंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाए और दूसरा जो मेजर डिसीजन था वो था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाए तो क्या प्रोसेस क्या स्टार्ट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन करीबन की ये बनी पूरे भारत में इलेक्ट किया को, को गया ताकि सारे राज्यों के प्रतिनिधित्व उस असेंबली में हो और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसके प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके चेयरमैन कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का 1946 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना आरंभ किया ओके okay? ये दो मेन डिसीजन लिए गए कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस के अंडर में कि उन्होंने ये कहा कि एक अंतरिम गवर्नमेंट का हम गठन करेंगे वो अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी और उसके साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी गठन किया गया जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये दो चीजें मेन चीजें हुई किसमें कैबिनेट मिशन में उसके बाद क्या हुआ अब तो भारत आजाद हो ही गया लगभग भारत आजाद हुआ So, कल से आज तो मैंने क्या हुआ शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है कि आज मैंने शुरू शुरू का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है ये चार क्लासेस हमने इंट्रोडक्टरी रखी है कल से क्या करेंगे हम टॉपिक वाइज लेंगे ओके okay? हर टॉपिक लेंगे और टॉपिक वाइज हर चैप्टर को हर टॉपिक को रिवाइज करेंगे शायद वो आपके लिए हेल्पफुल होगा ओके okay? वो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो कल टॉपिक वाइज हम लेंगे ठीक है <खेगा> आप क्या हुआ 1947 वो साल जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया पर उससे पहले भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हुई थी वो फॉर्मेलिटीज क्या हुई थी उससे पहले हम बात करें उन्नीस में जो उस समय सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे उसे क्लीमेंट एटली ओके ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था क्लीमेंट एटली उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 20 फरवरी उन्होंने अनाउंस किया था कब अनाउंस किया था 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस किया था कि 30 जून तक 1900 की 30 जून तक कब तक 30 जून तक भारत को क्या कर देंगे आजाद 30 जून 1947 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा आजाद कर दिया जाएगा ये उन्होंने अनाउंस किया था कब 20 फरवरी 1947 को कि जून उन्नीस तक भारत को आजाद कर दिया गया और उस समय इस सारे प्रोसेस के लिए क्या किया गया एक नए वाइसरॉय को भेजा गया जो वाइसरॉय का नाम क्या था नए को भेजा गया जिनका नाम था माउंट बेटे लॉर्ड माउंट बेटे भारत में आए और लॉर्ड माउंट बेटन ने फिर तीन जून को के तीन जून को यह अनाउंस कर दिया तीन जून को यह अनाउंस कर दिया कि अगस्त 1947 तक अगस्त 1947 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा पहले अनाउंस हुआ था कि 30 जून तक कर दिया जाएगा पर 3 जून को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भारत ये विभाजन नहीं है सॉरी इसके बाद बात में करेंगे हम कि भारत को अगस्त 1947 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा आजाद कर दिया जाएगा उन्होंने एक प्लान निकाला अब ठीक है भारत को छोड़ते जा ही रहे थे अंग्रेज तो जाते जाते उन्होंने भारत में आग लगाई दी थी आग क्या लगाई थी कि आज तक वो आग जल रही है जो उन्होंने वो लगा के गए वो आज आग आज तक हमें जला रही है कि उन्होंने क्या किया एक प्लान इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड माउंट बेटन ने जिसको कहते हैं माउंट बेटन प्लान जून जुलाई में ये माउंट बेटन प्लान आ, किया और इसमें क्या किया कि अगस्त 1947 में भारत को आजाद कर देंगे लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ और उससे पहले एक चीज मैं बताना भूल गई कि 1946 में 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ओके okay, एक 26 जुलाई आई थिंक वो डेट थी 26 जुलाई जहां तक मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ 26 जुलाई 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी मतलब मुस्लिमों को आग्रह किया कि आप अपनी तरफ से एक आंदोलन शुरू करें किसके लिए पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब कर दी थी छब्बीस जुलाई या छब्बीस मई है प्लीज आप देखिएगा को की की घोषणा कर दी थी कि अब हमें पाकिस्तान की हमें पाकिस्तान पाकिस्तान डिमांड हमारे लिए चाहिए और उसी समय देखिएगावन में जो माउंट बेटन प्लान आया उस माउंट बेटन प्लान में यह घोषणा थी कि अब भारत दो भागों में विभाजित हो जाएगा दो यूनियंस बनाए गए दो डोमिनियंस बनाए गए इंडिया और पाकिस्तान ओके पाकिस्तान में क्या हुआ जो सिंध पंजाब बलुचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया ये सारा मिला के पाकिस्तान बनाया गया और जो बांग्लादेश है आज उसको क्या बनाया गया ईस्ट वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान और इधर क्या बना वेस्ट पाकिस्तान और बाकी एरिया जो था वो किस में आ गया भारत में और जो प्रिंसली स्टेट थे क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था दो तरह के स्टेट भारत में हो गए थे एक डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे उनको हम क्या कहते हैं ब्रिटिश राज्य और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको ये छूट दे दी गई कि या तो आप कहाँ चले जाओ पाकिस्तान के साथ चले जाओ या भारत के साथ चले जाओ और अच्छा तो आप फ्री भी रह सकते हो ओके हर जगह उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ मुसीबतें जरूर छोड़ी कि वहां आप उसके लिए चले जाओ लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे स्टेट्स ने तो पाकिस्तान भारत को ज्वाइन कर लिया ओके पर कुछ स्टेट्स की प्रॉब्लम बाद तक रही जैसे जूनागढ़ की हैदराबाद की और कश्मीर की बाद में हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम्स रही और इस तरह से भारतीय राज्यों को एनकरेज करने का काम उनको भारत से जोड़ने का काम मेन काम किसने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इसमें कि वो है ना भारतीय राज्यों को उन्होंने भारत से जोड़ने का काम किया था फिर माउंट बेटन प्लान में भारत दो भागों में विभाजित हो गया एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना और चौदह अगस्त को भारत पाकिस्तान आजाद मतलब अंग्रेजों से आजाद होके नए पाकिस्तान नए देश पाकिस्तान का निर्माण हो गया और 15 अगस्त को के भारत का निर्माण हो गया पर यहां जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के जो शुरुआत किसने की मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां से भारत में बहुत दंगे शुरू हो गए ओके दोनों संप्रदायों के बीच में इतने दंगे हुए कि लाखों लाशें बिछ गई ओके और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए कितने लोग जो पाकिस्तान एरिया में थे वो अपने घर बार सब कुछ छोड़ के भारत आए और भारत के स... में बहुत सारे मुस्लिम सा अपना सब कुछ यहाँ छोड़ के पाकिस्तान चले गए भारत को खुशी तो मिली आजादी की पर वो खुशी एक बहुत बड़े धब्बे के रूप में आई ओके जो था पाकिस्तान पाकिस्तान फॉर्म हुआ ओके भारत का डिविजन हो गया ओके एंड कुछ लोगों ने गांधी जी को इसका जिम्मेदार भी ठहराया ओके okay, क्योंकि गांधी जी ने भी आफ्टर ए टाइम जब दंगे बहुत बढ़ गए तो पाकिस्तान के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया था इसीलिए थर्टी 31 जनवरी 1948 में okay, आपको सबको पता ही 30 जनवरी एट में 48 को क्या हुआ ओके okay, नाथुर गौड़से ने गांधी जी की क्या कर दी हत्या कर दी और भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई और इंटरिम गवर्नमेंट के जो अंतिम सरकार अंतरिम सरकार बनी क्योंकि जो माउंटबेटन थे वो भारत के क्या थे क्या बने वो लास्ट वॉइस थे और फिर यहां पर पहले गवर्नर जनरल बने आधुनिक जो स्वतंत्र भारत के आधुनिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और उनको सक्सीड किसने किया उनके बाद कौन बने सी राज चारी. सी राज गोपालाचारी ओके okay? और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल कौन बने मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने मोहम्मद अली जिन्ना बने और यहां पर माउंट बेटन और माउंट बेटन के बाद उनके बाद कौन बने सी राज गोपालाचारी और एक इंटरम गवर्नमेंट फॉर्म करी अंतरिम सरकार फॉर्म की क्योंकि पहले इलेक्शन भारत में कब हुए उन्नीस में हुए ओके तब तक ये गवर्नमेंट तो चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए तो क्या बनी एक अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन बने जिसके प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या हो गई मृत्यु हो गई ये हमारा अभी तक भारत के स्वतंत्रता तक का आधुनिक इतिहास ओके आप कल से हम शुरू करेंगे धन्यवाद आप सबको बहुत एनकरेज किया सभी ने नाथुराम गोडसे ने क्यों हत्या की थी देखो हर कोई गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं था जैसे मैंने बात बोली सुभाष चंद्र बोस भी स्किन के विचारों से सहमत नहीं थे ओके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो भी गांधी जी के जो अहिंसा के मार्ग को नहीं मानते थे उनके हिसाब से अहिंसा के मार्ग से हम आजादी नहीं पा सकते के कुछ लोग सहमत थे कुछ लोग नहीं सहमत थे और नाथुराम गोडसे जैसे लोग थे उनको ऐसा लगता था कि भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान एक नया स्टेट बन नया राष्ट्र बना उसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी अगर गांधी जी चाहते तो इस विभाजन को रोक सकते थे ओके और ऐसे ही लोगों में एक गोडसे थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी ओके पवन आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा आप वापस लिखिए प्लीज <coughs> गरम दल नरम दल क्या है देखो गरम दल नरम दल क्या है कि कांग्रेस में दो तरह के मेंबर्स थे जो थोड़े से बुजुर्ग मेंबर्स थे एल्डर मेंबर्स थे उनको क्या लगता था कि सीधे अग्रेसिव मेथड से क्या कर सकते हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते और अभी हम तैयार भी नहीं है कि एकदम से हम भारत स्वतंत्र हो जाए सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लें वो चाहते थे कि पहले हम कांग्रेस में पहले हम गवर्नमेंट का पार्ट बने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके फिर हम अपनी गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के अंडर में बनाए और बाद में हम क्या हो अपनी गवर्नमेंट संभालें और उनका जो तरीका था वो तरीका था पिटिशंस का अपील का इस तरह के तरीके में वो बिलीव करते थे गे? जो गर्म दल के मेंबर्स थे जो थोड़े से यंगर मेंबर थे वो चाहते थे कि इंडिया हमारा कंट्री है क्यों अंग्रेज यहाँ राज कर दें उनको यहाँ से जाना चाहिए हमको अपना पाया पावर ट्रांसफर कर दो तो इसलिए गरम दल और नदम दल इनको कहा जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ओके क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था इसलिए कांग्रेस में ये दो दल बन गए थे नरम दल और गरम दल 1907 में सूरत स्प्लिट जो हुआ था सूरत का अधिवेशन हुआ था इस सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए थे।, थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर में थे और गरम दल के जो मेंबर्स थे वो लाल बाल पाल लाल बहादुर शास्त्री बिपिन चंद्र पाल सॉरी लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक ये तीनों ओके okay. किसके लीडर थे गरम दल के लीडर थे हाँ इसके बारे में हर्ष हम बात करेंगे हैदराबाद के लिए ओके okay, जूनागढ़ के लिए चलो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताई देती हूँ कि हैदराबाद का जो शासक था वो पाकिस्तान के लिए जाना चाहता था पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था लेकिन हैदराबाद की जो लोकेशन है तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं था थोड़े क्लैशेस के बाद फिर हैदराबाद भी इंडिया का पार्ट बन गया ऐसे ही जूनागढ़ का जो शासक था वो फ्री रहना चाहता था वो ना पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहता था पर वहां पर क्या कराया गया वोटिंग कराई गई ओके वोटिंग कराई गई तो वहां की जनता ने भारत के साथ जाने का समर्थन किया और फिर जूनागढ़ को क्या कर दिया भारत के साथ मिला दिया गया इसी तरह से कश्मीर में राजा हरि सिंह थे वो भी भारत के साथ नहीं आना चाहते थे लेकिन जब पाकिस्तानियों ने वहां पर आक्रमण कर दिया तो उसने भारतीयों से क्या मांगी भारतीय गवर्नमेंट से क्या मांगी अपनी अः से उनसे सहायता मांगी और उसके बाद पाकिस्त जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का सॉरी भारत का हिस्सा बन गया ठीक हिस्ट्री मेरी आज चौथी क्लास है हिस्ट्री में आज मेरी चौथी क्लास है हाँ ये तो सब लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें थी जो अगर नहीं हुई होती भारत में तो शायद हम बहुत पहले आजाद हो चुके होते हम बातों को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है ओके तो जो होना था वो हुआ हमें अभी उस चीज को ही पढ़ना है तो के और कोई क्वेश्चन किसी का तो आप सब बहुत सारे स्टूडेंट जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारी क्लास कब होती है तो हमारी क्लास होती है नौ से दस बजे के बीच में ओके okay? मैंने अभी तक चार क्लासेस ली और चार क्लासेस में सिर्फ मैंने हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया उसके कालक्रम की जानकारी आपको शॉर्ट में देने की कोशिश की बहुत सारा डिटेल हमने नहीं पढ़ा है अब कल से हम क्या करेंगे कल से हम सब टॉपिक वाइज लेंगे ओके okay? तो पहले एंशियट हिस्ट्री से हम शुरू करते हुए मिडेवल लेते हुए मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे ओके रोज क्लास होगी हमारी नौ से दस बजे के बीच में अगर आप लोगों को पसंद आती है चार दिन में जिन लोगों ने देखी है उन लोगों को अगर पसंद आई है और उन लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका सपोर्ट रहा तो हम क्लासेस और बहुत सारी क्लासेस शुरू करेंगे के? के? तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं धन्यवाद आप सभी को थैंक यू गुड नाइट ओके अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए ऐसे टाइम में सबसे जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें Good night.